तो केवल एक मंत्र कर दो, फिर बाद में वैलेडिक्ट्री में दोबारा करना, ठीक है? त्रिदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के इस नवम एवं अंतिम शैक्षणिक सत्र में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगी, हमारे तीन वक्ता हैं इस सत्र में। डॉक्टर सतीश प्रकाश आर्य जी हैं यूएसए से, डॉक्टर प्रोफेसर दिनेश चंद्र शास्त्री जी उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति, और प्रोफेसर सोमदेव शतांशु जी गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के कुलपति। सबसे पहले मैं प्रोफेसर दिनेश चंद्र शास्त्री जी को आमंत्रित करना चाहूँगी। आप गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में वर्षों तक वेद विभाग के अध्यक्ष रहे और वेद पर आपका लेखन, चिंतन एवं प्रकाशन अनेक कृतियों के माध्यम से, व्याख्यानों के माध्यम से प्रकाशित होता रहा है। अभी आप उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में कार्यरत हैं। आपका विषय है महर्षि दयानंद की वेद भाष्य पद्धति, क्योंकि आप वेद विषय के अधिकारी विद्वान हैं, प्रोफेसर दिनेश चंद्र शास्त्री। शन्नो मित्रः संवरुणः शन्नो भवद्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ओम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि हितं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारम् ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। स्वामी दयानंद सरस्वती की द्विजन्म शताब्दी के अवसर पर भारत सरकार के द्वारा प्राप्त निर्देशों का अनुकरण करते हुए एडवांस स्टडीज के इस प्रांगण में इस एडवांस स्टडीज की चेयरपर्सन हमारी बड़ी बहन प्रोफेसर शशि प्रभा कुमार जी ने ये स्वामी दयानंद सरस्वती के व्यक्तित्व एवं कृतित्व को अर्थात उनके संपूर्ण जीवन को आधार बनाते हुए एक विमर्श का जो ये रूप हमारे सामने रखा है, इसमें सहभागिता के रूप में उपस्थित देश और विदेशों से पधारे हुए सभी विद्वज्जन, मंच पर उपस्थित इस एडवांस स्टडीज के सभी अधिकारी वृंद और रिसर्च स्कॉलर्स, मुझे बहन जी ने स्वामी दयानंद सरस्वती के जो वेदार्थ है, जो उनका वेद व्याख्यान है, उसको आधार बना कर के बोलने के लिए विषय नियत किया है। मैं कोई भी निबंध लिखता हूं तो कम से कम 6 महीने उसमें लगते हैं। तो दिल्ली की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी लगभग वही विषय भी यहाँ भी वही है। तो मैं अभी वो जो मेरा ड्राफ्ट था वो ड्राफ्ट रूप में ही है, वो फाइनल नहीं हुआ था। बहन जी का आदेश था कि जल्दी भेजो, तो बहन जी फिर मैंने जो विषय बनाया मैंने आपको भी भेजा है वो,
वो बनाया स्वामी दयानंद कृत वेदार्थ की विशेषताएं सामवेद भाष्यकार आचार्य रामनाथ वेदालंकार की दृष्टि में। ये मैंने जानबूझ करके ये विषय रखा कि स्वामी दयानंद विचार सरणी, जो स्वामी दयानंद की विचार सरणी है, उस विचार सरणी को आधार बनाकर वैदिक साहित्य के कृत भूरी श्रम विद्वानों में सामवेद भाष्यकार आचार्य रामनाथ वेदालंकार का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। दयानंद कृत वेद व्याख्यानों का इनकी दृष्टि में किया गया मूल्यांकन कई प्रकार से अपनी महत्ता रखता है। इस मूल्यांकन के आधार पर मुझे जो दयानंदीय वेदार्थ की विशेषताएं उनकी दृष्टि में मिली, पंडित जी की दृष्टि में, वह मैंने इस आलेख में उकेरने की कोशिश की है। विदित हो कि आचार्य रामनाथ वेदालंकार ने दयानंद कृत वेदार्थ की जिन विशेषताओं को हाईलाइट किया है, जिन विशेषताओं को रेखांकित किया है, उनमें वैदिक शब्दों के योगरूढ़ अर्थ करने के अनुसंधान को प्रमुख रूप से स्वीकार किया है। उसी के आलोक में मेरा यह वक्तव्य प्रस्तुत है। आचार्य यास्क ने अपने निरुक्त में चार प्रकार के पदों की चर्चा की है, आप सभी जानते हैं, नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात। और उन्होंने शाक्तायन का मत का उल्लेख करते हुए सभी को, सभी नाम पदों को धातु स्वीकार किया है, परंतु उसी जगह लिखा है कि एक आचार्य गार्ग्य इस बात को स्वीकार नहीं करते, और उन्होंने उस आचार्य गार्ग्य का खंडन करते हुए सभी नाम पद धातुज हैं इस सिद्धांत की स्थापना की है। ये आचार्य यास्क का वेद व्याख्या के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है, और इसी लेगेसी को, इस धातुजत्व के सिद्धांत को लेकर के जो यास्क ने जो अपने निरुक्त में लगभग 1300 पदों का निर्वचन किया है, उसी श्रृंखला में स्वामी दयानंद का धातुजत्व के विषय में क्या मंतव्य है, पहले हमको ये बात जाननी चाहिए। धातुजत्व के विषय में दयानंद की दृष्टि ये है कि एक दृष्टि के अनुसार तीन प्रकार के शब्द होते हैं, यौगिक, रूढ़ तथा योग रूढ़। ऋषि दयानंद के शब्दों में इनकी परिभाषा एवं उदाहरण इस प्रकार है। स्वामी दयानंद के शब्दों को मैं कोट कर रहा हूं। यौगिक उनको कहते हैं जो प्रकृति और प्रत्यार्थ तथा अव्यवार्थ का प्रकाश करते हैं, जैसे कर्ता, हर्ता, दाता, अध्येता, अध्यापक, लंबकर्ण, शास्त्र ज्ञान, काल ज्ञान इत्यादि। रूढ़ी उनको कहते हैं कि जिनमें प्रकृति और प्रत्यय का अर्थ न घटता हो किंतु ये संबोधक हो, किसी भी बात के बताने में वो संबोधक हो, जैसे खटुआ, माला, शाला इत्यादि। योग रूढ़ उनको कहते हैं, जो बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी पेपर की ये जान है, योग रूढ़ी उनको कहते हैं कि जो अव्यवार्थ का प्रकाश करते हुए अपने योग से अन्य अर्थ में नियत हो, जैसे दामोदर, सहोदर, पंकज इत्यादि। दयानंद के अनुसार वैदिक शब्द अर्थात नाम पद उभयविद होते हैं पर रूढ़ नहीं होते, किंतु लौकिक शब्द योगिक तथा योग रूढ़ के अतिरिक्त रूढ़ भी होते हैं। ये स्वामी जी के शब्द है, इसलिए वे लिखते हैं सब ऋषि मुनि वैदिक शब्दों को यौगिक और योग रूढ़ी तथा लौकिक शब्दों में रूढ़ी भी मानते हैं। अन्यत्र लिखा है स्वामी जी ने कि यह सब निघंटु प्रोक्त शब्द वेद में यौगिक और योग रूढ़ी आते हैं, केवल रूढ़ी नहीं, यहां वैदिक शब्दों से वैदिक नाम पद अभिप्रेत हैं, धातु, उपसर्ग और निपात नहीं। सामान्यतः यह समझा जाता है कि कोई शब्द या तो यौगिक ही होगा या योग रूढ़ ही, दोनों प्रकार का नहीं हो सकता, पर दयानंद का यह ऋषित्व है, जैसे कि हम स्वामी दयानंद के विषय में चर्चा कर रहे हैं, यह ऋषियों की दृष्टि होती है, स्वामी दयानंद का वो ऋषित्व है कि वैदिक शब्दों को यौगिक एवं योग रूढ़ दोनों स्वरूपों वाला वो मानते हैं। आख्यातज या धातुज में वे उक्त उभयविद शब्दों का समावेश करते हुए लिखते हैं, स्वामी जी के शब्द है कि यास्क मुनि आदि निरुक्तकार
और वैयाकरणों में शाक्तायन मुनि सब शब्दों को धातु से निष्पन्न अर्थात योगिक और योग रूढ़ी भी मानते हैं। अब देखना यह है क्या वैदिक शब्दों को केवल योगिक मानने से कार्य का निर्वहन हो जाएगा और कैसे कोई शब्द योगिक तथा योग रूढ़ उभयविद हो सकेगा। निघंटु एवं निरुक्त में अनेक शब्दों के अर्थ दर्शाए गए हैं, किसी शब्द का एक ही अर्थ है, किसी के अनेक अर्थ हैं। निरुक्त में निर्वचन करके यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि अमुक शब्द के अमुक अर्थ कैसे हो सकते हैं। उदाहरणार्थ फॉर एग्जाम्पल, गो शब्द का योगिक अर्थ गंता है अर्थात जाने वाला, परंतु गो शब्द निघंटु में पृथ्वी रश्मि सूर्य एवं द्योलोक वाणी तथा स्त्रोता के वाचक नामों में पठित है। यदि ऐसा नहीं होगा तो फिर मघासु हन्यते गावो फाल्गुनी सूद भैयते, जैसे कि वेस्टर्न स्कॉलर्स ने लिखा है कि आर्यन आर्य लोग आर्यन रेस के लोग मघा नक्षत्र में गाय को मारते थे और फाल्गुन में विवाह करते थे। जो ये जब मैंने एक से पूछा कि इतने दिनों का गैप कैसे हो गया, मघा नक्षत्र तो माघ महीने को बोलते हैं जब ठंड पड़ती है, फाल्गुन बसंत में आता है तो बीच का जो पीरियड है तो गाय का मांस तो सबसे पहले सड़ने वाला होता है, सभी मांसों में गाय का मांस सबसे ज्यादा जहरीला होता है आयुर्वेद के हिसाब से, तो फिर कोई इसको सुरक्षित रखने का कोई मैकेनिज्म तो होना चाहिए यहाँ वेद मंत्र में, वो मैकेनिज्म है नहीं। आपके पास रेफ्रिजरेटर है आजकल, तो उस समय भी होगा तो उसका उल्लेख होना चाहिए। ये इस बात का उत्तर जो है यही देता है कि गो का अर्थ मात्र COW काव नहीं होता, इसके अनेक अर्थ होते हैं और गो का अर्थ यहां वाणी है जो है ये, इसलिए स्वामी दयानंद ने इन चीजों को आगे बढ़ाया। निरुक्त में इसके गाय पशु गोदुग्ध अधिशवन चर्म चर्म और श्लेष्मा स्नायु और श्लेष्मा प्रत्यंचा सुषुम्न रश्मि और माध्यमिक वाणी अर्थ भी दिए गए हैं, आप निरुक्त में इसको देख सकते हैं। शाखा ग्रंथों एवं ब्राह्मण ग्रंथों के अनुसार अंतरिक्ष अन्न शक्वरी छंद रथंतरसान यश यज्ञ प्राण सोम आदि को भी गो कहा गया है। इन निघंटु निरुक्त वेद शाखा ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथ आदि के द्वारा प्रोक्त अर्थों में गो शब्द योग रूढ़ माना जाएगा। अतः यतः अपने योगार्थ को देते हुए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यतः योगार्थ को यतः अपने योगार्थ को देते हुए इन तथा इसी प्रकार के कुछ अर्थों की वाच्यता में इसकी शक्ति सीमित हो गई है। इसके साथ ही वेदों में जब गो शब्द किसी अन्य वस्तु का विशेषण होकर आता है और केवल गंता अर्थ को देता है तब यह योगिक शब्द कहलाता है, ऐसा पंडित रामनाथ वेद अलंकार का मंतव्य है। ऋषि दयानंद कृते उनादि कोश की वृत्ति में शब्दों का व्याख्यान शब्दों के योगिक तथा योग रूढ़ इस द्विध स्वरूप को प्राय सर्वत्र प्रकाशित कर रहा है। स्वामी दयानंद का जो उनादि कोश है वो जरूर पढ़ना चाहिए हमको। प्रथम वे व्याख्यातव्य शब्द का योगार्थ प्रदर्शित करते हैं, फिर वैकल्पिक रूप में कतिपय योग रूढ़ वाच्यार्थों का परिगणन कर देते हैं जिनमें वह योगार्थ भी घटित हो रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, गो शब्द के व्याख्यान में लिखते हैं कि गच्छति यो यत्र यया वासा गौ पशुरिंद्रियम सुखम किरणो वज्रम चंद्रमा भूमिर्वाणी जलम वा, ये स्वामी जी के शब्द हैं। वा शब्द का प्रयोग यह सूचित करता है कि गो शब्द अपने योगिक अर्थ का भी वाचक है तथा योग रूढ़ अर्थ का भी वाचक है। इसी प्रकार उनादि की दयानंद वृत्ति से ज्ञात होता है कि कारु शब्द का योगिक अर्थ कर्ता और योग रूढ़ अर्थ शिल्पी है। कारु रहम ततो विशद, ये जो बड़ा पॉपुलर मंत्र है हम लोग जो है कोट करते हैं। जो ये वायु शब्द का योगिक अर्थ गंता या जाता है तथा योग रूढ़ अर्थ है गति करने वाला पवन या सर्वज्ञ परमेश्वर। मायु का योगिक अर्थ प्रक्षेपता है और योग रूढ़ अर्थ ऊष्मा को प्रक्षिप्त करने वाला पित्त, ये जो हमारे शरीर के अंदर जो पित्त होता है। ये है पहला धातु जत्व के विषय में स्वामी दयानंद की दृष्टि। अब वेदार्थ में ये जो धातु जत्व का जो प्रकरण है वो इसकी अनिवार्यता है। स्वामी जी स्वीकार करते हैं इस बात को कि यदि आपको वेदार्थ करना है आपको योगार्थ प्रक्रिया से करना होगा। मैं एक बात को रेखांकित करना चाहता हूं कि स्वामी दयानंद सरस्वती जो वेद के ऊपर काम करके जो इतने पॉपुलर हुए
दुनिया के अंदर वेदों वाला जो एक विशेषण किसी नाम किसी के नाम के साथ लगता है, इस आधुनिक युग में वो मात्र महर्षि दयानंद सरस्वती के साथ लगता है। वो इसलिए लगता है कि इन्होंने योग रूढ़ पद्धति को अपनाते हुए इन वेदार्थ को जो है राष्ट्र के साथ जोड़ा, समाज के साथ में जोड़ा, व्यक्ति के जीवन से जोड़ा, ये सबके साथ में उन्होंने इसको कनेक्ट किया है। ये बहुत बड़ी देन है सच में, एक आदि भौतिक प्रक्रिया और एक योग रूढ़, ये बड़ा महत्वपूर्ण स्वामी दयानंद की ये देन है। इसलिए हमको स्वामी दयानंद का ऋणी होना चाहिए कि वेद को शंखासुर ले गया, शंखासुर ले गया हो या नहीं ले गया हो, परंतु उन शंखासुर के मुख से स्वामी दयानंद ने योग रूढ़ित्व और अपनी जो आदि भौतिक योग अर्थ की प्रक्रिया है उससे जबड़े से खींच करके आम आदमी की गोदी में ला करके बैठा दिया। वस्तुतः है योगार्थ प्रक्रिया का आश्रय लिए बिना हम वेदार्थ में एक कदम भी आगे बढ़ नहीं सकते। ऋग्वेद की पुस्तक खोलते ही प्रथम सूक्त के प्रथम मंत्र में ही हम अटक जाएंगे, क्योंकि वहां अग्नि को पुरोहित कहा, अग्निमीडे पुरोहितम, ऋत्विज और होता कहा गया है। यदि योगार्थ का आश्रय हम न लें तो अग्नि में ये विशेषण चरितार्थ कैसे हो सकते हैं, ये प्रश्न हमारे सामने खड़ा है। वेद के अनेक शब्द ऐसे हैं जो लौकिक संस्कृत में उनका जो अर्थ है उससे अतिरिक्त अन्य अर्थों को भी वो बताते हैं। वैदिक कोश निघंटु से प्रमाणित होता है कि अद्रि, गिरि, पर्वत और गोत्र शब्द जो लोक में सामान्यतः पहाड़ के वाचक हैं, वेद में मेघ अर्थ को भी देते हैं। जो अभी एक प्रसंग है कि आर्यन लोग बाहर से आए और यहाँ की जो जातियां थी उनको मार करके उन्होंने भगाया, वो इसी प्रकार के मेघ से संबंधित जो प्रकरण है ऋग्वेद के, उनका यदि आप अर्थ देखोगे तो मौसम विज्ञान के साथ में घटता है। तो ये मौसम विज्ञान की चर्चा यदि आप करना चाहोगे तो स्वामी दयानंद ने जो योग रूढ़ी से अर्थ किए हैं उसके बिना वो संभव नहीं हो पाएंगे। और वेदों में ये जो नदी का वाचक अपशब्द, वेद में अंतरिक्ष का वाचक भी है। लोक में किरण और घोड़े की लगाम के वाचक अधिशु, गवस्ति, दिदिति शब्द वेद में अंगुली के भी वाचक है। लोक में पीयूष का वाचक अमृत शब्द वेद में हिरण्य का वाचक भी है। लोक में भूमि का वाचक अग्नि शब्द, बहिन का वाचक स्वश्री शब्द वेद में अंगुली के वाचक भी है। लोक का सर्ववाची अहि शब्द जो सांप का अर्थ वाला है, वेद में मेघ और जल का वाचक भी है। अन्य भी अनेक शब्द हैं, ये मैंने इस पत्र में उनके प्रमाण भी दिए। अन्य भी अनेक शब्द निघंटु कोश में प्रचलित अर्थ से भिन्न अर्थ में परिगणित मिलते हैं। वैदिक शब्दों की अनेकार्थकता योगार्थ प्रक्रिया से ही सिद्ध हो सकती है। उदाहरणार्थ घृत शब्द के वेद में जो घी, पानी और दीप्ति अर्थ होते हैं वे योगार्थ के बल से ही होते हैं, और इस बात को आधुनिक युग में स्वामी दयानंद सरस्वती के बाद में इसमें जो घृत का अर्थ जो पानी किया है वो गुरुदत्त विद्यार्थी ने किया है। और बहन जी जो इसकी बात चल रही थी जो वैदिक टर्मिनोलॉजी ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई जाती है उसमें उन्होंने लिखा है जल का जो फॉर्मूला है H2O, मित्रम हुए पूत दक्षम वरुणम च ऋषादसम धियम घृताचीन साधनता। जो घृताची शब्द है उसमें घृत शब्द जो है जलवाची है, ये यदि योगार्थ प्रक्रिया से आप अर्थ नहीं करोगे तो ये अर्थ आपको मिलने का नहीं है। इसलिए स्वामी दयानंद की ये बहुत बड़ी देन है आधुनिक युग में। जो है आज तक कोई वेद भाष्यकार ऐसा नहीं हुआ जिसने वेदार्थ करते हुए योगार्थ प्रक्रिया को न अपना, ये बहुत आश्चर्य की बात आपके सामने बोल रहा हूं मैं। सायन तो अपने वेद भाष्य में पदे पदे इस सिद्धांत को लागू करते हैं। पंडित रामनाथ वेदालंकार लिखते हैं कि मात्र केवल दयानंद ही ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जिसने योगार्थ प्रक्रिया को अपनाया हो, आचार्य सायन ने भी इस प्रक्रिया का आश्रय लिया है। देखिए क्या लिखते हैं वो, यथा विषाण का अर्थ विशेष रूप से मद का दाता, अष्ट का अर्थ विस्तृत, यति का अर्थ मेघ, विष का अर्थ व्याप्त, पतंग और समुद्र का अर्थ परमात्मा, गोधा अर्थात गोह बोलते हैं जिसको, इसका अर्थ गायत्री, मातरिश्वा का अर्थ यजमान, बंधु का अर्थ तेज और बल करते हैं। एक स्थान पर तो आचार्य सायण ने योगार्थ प्रक्रिया के बल से हस्ती, हस्ती माने हाथ वाला का अर्थ पैरों वाला भी कर दिया। एक स्थान पर जो है
महिधर ने भी अपने वाजसनेयी माध्यमदिनी शुक्ल यजुर्वेद संहिता के भाष्य में योगार्थ प्रक्रिया का खूब खुलकर प्रयोग किया है। उदाहरण के लिए वे वायरा का अर्थ करते हैं गंता, कुक्कुट का अर्थ क्वा क्वा शब्द करते हुए मारने के लिए दौड़ने वाला, या कुत्सित शब्द करने वाला सम्यारूप यज्ञायुध विशेष, ये क्या है, ये महिधर ने भी किया। हंस का अर्थ आदित्य और गंधर्व का अर्थ वेदांत वेत्ता विद्वान और ऋषि का अर्थ गौ करते हैं, ये महिधर ने किया। अभिप्राय यह नहीं है कि भाष्यकारों ने योगार्थ की पद्धति से जो कुछ भी अर्थ कर दिया है वह युक्ति युक्ति है। परिणाम लिखते हैं कि ये महत्वपूर्ण नहीं है कि भाष्यकारों ने योगार्थ की पद्धति से जो कुछ भी अर्थ कर दिया है वह युक्ति युक्ति ही है, क्योंकि योगार्थ प्रक्रिया का सिद्धांत खुली छूट नहीं दे देता। इच्छा अनुसार जो चाहे आप अर्थ कर लो, इस सिद्धांत को भी अन्य साधुओं के समान विवेक पूर्वक अपनाना आवश्यक है। शायद ये विशेष रूप से जो उन्होंने लिखा है आर्य समाज विद्वानों के लिए लिखा है कि किसी भी अर्थ योगार्थ प्रक्रिया से जो मर दिया अर्थ आप कर दे, ये पंडित जी का संकेत उस तरफ है। फिर कहते हैं सायण भाष्य और महिधर भाष्य के उपयुक्त उदाहरण देने का आशय केवल इतना ही है कि वेदार्थ में योगार्थ प्रक्रिया की इंपोर्टेंस है, इसलिए इनकी चर्चा की है। निघंटु एवं निरुक्त आदि की भी बहुत बड़ी देन है इसमें जो है, ये मैंने थोड़ी सी पहले चर्चा आपके सामने कर चुका हूं जो है, फिर भी कुछ शब्दों को मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि वृत्र शब्द का योगार्थ तो आच्छादक है, जो आच्छादन करने वाला है, पर इसके योग रूढ़ अर्थ मेघ रात्रि पाप विघ्न बाधक शत्रु धन आदि किए जाती है। कहते हैं कि अधिक अनुसंधान से शब्दों के अन्य अर्थ भी आविष्कृत हो सकते हैं, जो प्रचार पाकर योग रूट की कोटि में ही आ जाएंगे। जितने भी आप योगार्थ प्रक्रिया से करोगे जब वो प्रचार की कोटि में आ जाएंगे, फैल जाएंगे, तो वो योग रूढ़ के रूप में हमारे सामने आएंगे। वृक का योगार्थ तो विकर्तन करता है, किंतु इसके योग रूढ़ अर्थ वज्र चोर चंद्रमा सूर्य कुत्ता भेड़िया हद आदि माने गए हैं। वराह का योगार्थ श्रेष्ठ आहार वाला या श्रेष्ठ कंदमूल को उखाड़ने वाला है, पर इसके योग रूढ़ अर्थ मेघ पर्वत एवं शूकर है। इड़ा का योगार्थ स्तोतव्य है, किंतु योग रूढ़ अर्थ पृथ्वी वाणी अन्न गौ नारी आदि है। इंदु का योगार्थ है गीला करने वाला, पर योग रूढ़ अर्थ जल यज्ञ चंद्रमा आदि है। पायस का योगार्थ है गति स्थल या खान पान योग्य, किंतु उसका योग रूढ़ अर्थ अंतरिक्ष जल और अन्न है। इस प्रकार के सैकड़ों शब्दों का वेदों के किन्हीं प्रकरणों में जब योगार्थ अभिप्रेत होता है तब वहां वह शब्द योगिक होता है, किंतु जब योग रूढ़ार्थ अभिष्ट होता है तो वहां वह शब्द योग रूढ़ होता है। इस प्रकार विशेषण भूत पदों को छोड़कर वेद के सभी नाम पद योगिक और योग रूढ़ दोनों श्रेणियों में आ जाते हैं। इसी अभिप्राय से स्वामी दयानंद ने वैदिक शब्दों में योगिकता एवं योग रूढ़ ही माना है, परंतु वैदिक नाम पद आख्याताज या धातुज होने के कारण रूढ़ की कोटि में नहीं आते। ये स्वामी दयानंद के वेदार्थ चिंतन का जब हम विमर्श करते हैं ये चीज निकल करके आती है। वेद के जो विशेषण भूत पद हैं उन पर भी थोड़ी सी चर्चा हम करना चाहेंगे, बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि वेद के जो विशेषण भूत पद हैं वे यौगिक ही हैं, योग रूढ़ नहीं। जैसे ईड्य रत्न धात्मम सुपायन आदि अग्नि के विशेषण, जो पद कहीं विशेषण रूप में आते हैं कहीं स्वतंत्र रूप में, वे यथा स्थान कहीं योगिक और कहीं योग रूढ़ हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए अग्ने यम यज्ञम अध्वरम विश्वतः परिभूरसी, ऋग्वेद के प्रथम मंडल का पहला ही सूक्त है। अब इसमें अध्वर शब्द यज्ञ का विशेषण है और विशेषण होने से योगिक शब्द की कोटि में आएगा तथा इसका अर्थ हिंसा रहित होगा, किंतु प्रांचम किरणोत्यध्वरम ये 18वें सूक्त में है प्रथम मंडल में ही, में अध्वर शब्द यज्ञ का वाचक प्रयुक्त होने से योग रूढ़ माना जाएगा, ऐसा पंडित रामनाथ जी का कहना है, उन्होंने इस पर चिंतन किया। यदि अग्नि इंद्र वरुण मित्र गो आदि वैदिक शब्दों को हम योगिक माने का आग्रह करें
तो इनके अर्थ केवल अग्रणी परमेश्वरवान वर्णीय स्नेहकर्ता गंता गंत्री आदि ही होने चाहिए। इन विशेषणों से विशिष्ट पदार्थ विशेष या व्यक्ति विशेष नहीं, इसलिए वैदिक नाम पदों को योगिक एवं योग रूढ़ मानने की दयानंद सरस्वती की दृष्टि अत्यंत दूरदर्शितापूर्ण है। किस शब्द का योग रूढ़ अर्थ क्या लिया जाए, इसमें स्वयं वेद ही प्रायः सहायक होते हैं। जैसे अग्नि को वेद में राजा, नृपति, विषपति, शत्रु, सेना, मोहक, पुरोहित, गृहपति, पिता, शोचिष्केश, ये सारे वेद मंत्रों के अंदर ये पद आए हैं। आदि के रूप में स्मरण किया गया है। इंद्र को वृत्रहंता, सचिपति सम्राट, सेनाओं का पराजेता, स्वराज्य के आराधक आदि के रूप में चित्रित किया गया है। रुद्र को विषगराज, स्थिर धनवा, छिप्रेशु आदि कहा गया है। इस प्रकार के संकेत विविध क्षेत्रों में इन शब्दों के योग रूट अर्थों के अन्वेषण में सहायक होते हैं। योगार्थ प्रक्रिया का अर्थात योगिकत्व एवं योग रूढ़त्व के सिद्धांत का विवेक पूर्वक अनुसरण करते हुए महर्षि ने अनेक वैदिक शब्दों के एक से अधिक अर्थ किए हैं, जो वेदों के विभिन्न प्रसंगों में सही उतरते हैं। समुद्र का अर्थ पार्थिव समुद्र के अतिरिक्त अंतरिक्ष भी ऋषिवर दयानंद ने किया है। काष्ठा शब्द के अर्थ दिशा, उपदिशा, आदित्य, युद्ध प्राण एवं स्थावर तथा स्थावर जल किए हैं। स्वसर का अर्थ दिवस और सूर्य किए हैं। अर्क के अर्थ अर्चनीय, देव, मंत्र, अन्न और आग दिए हैं। अकुपार के अर्थ सूर्य, समुद्र, कच्छप किए हैं। निचुंपुण के अर्थ सोमरस, समुद्र और यज्ञ किए हैं। कृति के अर्थ यश, अन्न और गुदड़ी किए हैं। इस मंत्र के अर्थ धनुष और कवच किए। आशीष के अर्थ दूध और आशीष या इच्छा किए हैं। निरुक्त के देवत कांड में यास्क ने वैदिक प्रमाणों के आधार पर ही कतिपय वैदिक देवों के योग रूढ़ अर्थ निश्चित करने का प्रयास किया है, और उसी सिद्धांत को दयानंद सरस्वती ने अपने ग्रंथों में, विशेषकर अपने वेदार्थ में इसको आगे बढ़ाया है। किंतु यौगिकता के आधार पर योग रूढ़ अर्थों का यास्क का यह निर्णय अंतिम प्रमाण नहीं है, ऐसा अपने नामनाथ जी लिखते हैं। इससे और अधिक आगे बढ़ा जा सकता है, पर इतना ध्यान रखना आवश्यक है कि योग रूढ़ अर्थों के निश्चय में स्वेच्छाचारिता का कोई भी स्थान नहीं है। किसी भी योगिक अर्थ को लेकर इच्छानुसार कोई भी योग रूढ़ अर्थ नहीं कल्पित किया जा सकता। वह प्रमाण परिपुष्ट तथा यथासंभव वेदानुमोदित या ब्राह्मण ग्रंथों से अनुमोदित होना चाहिए। जैसे गो शब्द के गंता या गंत्री योगिक अर्थ को लेकर गो के योग रूढ़ अर्थ हाथी, घोड़ा, ऊंट, भैंस, चिड़िया, गिलहरी आदि नहीं किए जा सकते। कुछ कुछ आर्य समाज के विद्वानों में इस तरह की बातें देखने को मिल रही हैं, इसलिए हमको ये बोलना पड़ रहा है। अब स्वामी दयानंद की विशेष देन क्या है, ये भी मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। स्वामी दयानंद ने वैदिक शब्दों के, ये मैं अभी कह चुका हूं, योग रूढ़ अर्थ करने के अनुसंधान को बहुत आगे बढ़ाया। उन्होंने वैयाकरण शाक्तायन तथा नैरुक्तों द्वारा प्रतिपादित धातुजित्व आदि शब्दों के योगिकत्व एवं योग रूढ़त्व के सूत्र को पकड़कर वेदार्थ में एक क्रांतिकारी परिवर्तन कर दिखाया है। पिछले पंक्तियों में भी मैंने ये बात बताया, योगिकत्व एवं योग रूढ़त्व के सिद्धांत को अपनाने की दृष्टि से वेद भाष्य में दयानंद के दो प्रमुख योगदान है, टू कॉन्ट्रीब्यूशंस जो है। पहला क्या है कि उन्होंने वेद व्याख्या को संकीर्ण क्षेत्र से निकालकर व्यापक और बहु क्षेत्रगामी बना दिया है। जो वेद व्याख्या का जो फलक है वह बहुत विस्तृत कर दिया उन्होंने। श्री अरविंदो की बात चल रही थी, वैसे बता रहे थे, श्री अरविंदो ने लिखा है अपने वेद रहस्य में कि सायन की कमेंट्री उस तरण ताल के फलक के समान है जिस पर खड़े होकर के जंप लगाया जाता है। ये जो श्री अरविंद के शब्द हैं, हम उस पर खड़े होकर के, हमको तुरंत कूदना होता है, हम उस पर खड़े रह नहीं सकते, वरना तरण ताल में हम तैर नहीं सकते। केवल सायन की कमेंट्री का इतना ही लाभ है, ये श्री अरविंद ने स्वीकार किया इस बात को। और दूसरा योगदान है कि उन्होंने वेद के ऐतिहासिक प्रतीत होने वाले नामों की
यौगिक एवं योग रूढ़ व्याख्या करके वेद को इतिहास परक व्याख्या के निर्मम प्रहार से मुक्त करने की दिशा प्रशस्त की है। ये स्वामी दयानंद के वेदार्थ की ये दो प्रमुख विशेषताएं हैं और ये योग रूढ़ित्व के कारण ही ये प्राप्त हुई है। जब कोई विद्वान प्रारंभ में सब प्रमाण किसी वैदिक शब्द के नवीन अर्थ का आविष्कार करता है तब उसी समय में भले ही सर्वसम्मत रूप से स्वीकार न किया जाए किंतु शनैः शनैः स्वीकार्य होकर योग रूढ़ की श्रेणी में आ जाता है, ऐसा पंडित जी का कहना है। अब जो पहला योगदान है इस पर थोड़ा सा विचार कीजिए आप जो ये संक्षेप में ठीक है ठीक है। तो जो जो ऐतिहासिक फलक है ऐतिहासिक फलक पर जो देवता विशेष के अर्थ हैं आप सभी जानते हैं उन पर स्वामी जी ने जो अपने अर्थ किए हैं उनमें पारमार्थिक और व्यवहारिक दृष्टि से अनेक अर्थों की योजना करके उन्होंने इसको आगे बढ़ाया है। पारमार्थिक और व्यवहारिक दो प्रकार के मुख्य रूप से स्वामी जी ने अर्थ स्वीकार किए हैं। वैसे बहुत प्रकार की प्रक्रियाएं वेदार्थ की थी, आध्यात्मिक प्रक्रिया, अधियाचिक प्रक्रिया, अधिदेवत प्रक्रिया, अधिभूत प्रक्रिया और भी कई प्रकार की प्रक्रियाएं हैं, नैदान प्रक्रिया आदि बहुत सारी हैं। स्वामी जी ने सबका समाहार करते हुए दो ही माना, एक है पारमार्थिक और एक है व्यवहारिक और अंततो गत्वा जो अंतिम जो अर्थ है वो पारमार्थिक अर्थ स्वामी जी ने स्वीकार किया है। ये अधिभूत प्रक्रिया से और यौगिक और योग रूढ़त्व की दृष्टि से उन्होंने स्वीकार किया है। इस प्रकार से बहुत सारा वर्णन स्वामी जी ने किया है। जो ऐतिहासिक पक्ष है अब इसमें व्यास की जो महाभारत है उसका आदि पर्व में आता है इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुप्रिय, बड़ा पॉपुलर वचन है, इसको सब स्वीकार करते हैं। अब इसमें इतिहास क्या है और पुराण क्या है? पुराण तो सृष्टि विद्या संबंधी जो वर्णन है वो पुराण की कोटि में आता है। पुराणों में भी सर्व रचना से संबंधित मुख्य वर्णन है वो है पुराण। और इतिहास क्या है? जो आख्यान है वो प्ररोचन के लिए होता है, वो गौण होता है, वो मुख्य नहीं होता जो ये। अब मैंने पिछली बार भी दिल्ली में बोलते हुए कहा था, मुझे वो कविता याद आई थी, मैं फिर आपके समक्ष उसी कविता को फिर बोलना चाहूंगा। दिनकर राष्ट्र कवि दिनकर की एक कविता है सर्दियों के विषय में, ये यूपी की पुस्तकों में हिंदी में पढ़ाई जाती थी बच्चों को, कि हटकर बैठा चांद एक दिन माता से यह बोला, सिलवा दो माँ मुझे उनका मोटा एक झंगोला, सनसन करती हवा रात भर जाड़े से मैं मरता हूं, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह से यात्रा पूरी करता। ये रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्रकवि हैं, उन्होंने एक उसकी बात की है, मतलब कि प्राकृतिक दृष्टि है ये, क्या ये इतिहास है? मैं आपसे पूछता हूं, लौकिक कवि, लौकिक भाषा का कवि अब इसमें इतिहास की बात करता है तो क्या इतिहास है? अरे ये बात को समझाने के लिए ये इसको एक आख्यान का इसने स्वरूप दिया है। यही हमारे वेद मंत्रों में जो आख्यान है ये प्ररोचन के लिए है, विशेष दृष्टार्थस्य प्रीतिर्भवति आख्यान संयुक्ता यास ने इसको कहा। तो इसलिए इस दृष्टि से स्वामी दयानंद ने चाहे कश्यप है, चाहे अगस्त्य है, चाहे विश्वामित्र है, चाहे वशिष्ठ है, चाहे बबर है, ये जितने भी हैं सब इन्होंने ऐतिहासिक पक्ष का खंडन किया है और ऋग्वेद के सातवें मंडल के 61वें सूत्र के द्वितीय मंत्र तक का उन्होंने भाष्य किया। भाष्य तो हम इसको पूरे रूप में कह नहीं सकते, आप लोगों को शायद ये बात अच्छी ना लगे, भाष्य तो स्वामी दयानंद का जो ऋग्वेद के प्रारंभिक कुछ सूक्त हैं है ना उन पे ही है, परंतु ये वेद मंत्रों के अर्थ की दृष्टि क्या हो सकती है इस पर प्रकाश पड़ता है जो ये विद्वानों को इस पर काम करना चाहिए। तो वेद से संबंधित जो अर्थ की दृष्टि है, व्याख्यान की जो दृष्टि है वो 7.61.2 और शुक्ल यजुर्वेद माध्यंदिन संहिता का जो स्वामी जी ने पूरा किया है इसके आलोक में ये पूरा का पूरा है, चाहे सुनक्षेप है, चाहे दीर्घ तमस है, चाहे दिवोदास है, सबके ये इस प्रकार के बोलते हैं। ऐतिहासिक प्रतीत होने वाले सैकड़ों ऋषियों राजाओं नदियों नगरों आदि के नाम दयानंद के वेद भाष्य में धातुजत्व के अर्थात यौगिकत्व योग रूढ़त्व के सिद्धांत को आधार पर व्याख्यात हुए। इसीलिए दयानंद की विचारधारा में पढ़ने वाला व्यक्ति जब ये कहता है ये सुनता है क्या कि अष्टाचक्रा नव द्वारा
देवानाम पूर्व अयोध्या, आठ चक्रों वाली है ना, नवद्वारों वाली ये एक अयोध्या नगरी है। तो जो वेद में इतिहास ढूंढने वाले हैं वो ये कहते हैं कि वेद में अयोध्या का वर्णन है। भाई है तो सही, लेकिन आज हम इसका आपको बताएंगे नहीं, बाद में हमसे पूछना, अब तो जो है दूसरे प्रकार का माहौल है। परंतु ये शरीर का नाम अयोध्या है, क्योंकि ये जो जो भौतिकता की चकाचौंध है इसको जीता उसको जीत नहीं सकती यदि ऐसी स्थिति होती है। एक वो है, वो कहते हैं पंच नद्य, ये क्या क्या बोलते हैं, जो यजुर्वेद का मंत्र है कि सो देशे अभवत सरित, सरस्वती तू पंचधा सो देशे अभवत सरित, इसके आधार पर पंजाब में जो है वो वर्णन करते हैं कि वेद में इसका वर्णन है। और एक बार सरस्वती नदी को ऊपर काम करने वाले लोगों से हमने पूछा कि आप इसमें इतिहास सिद्ध कर रहे हो वेद के आधार पर, तो बताओ सरस्वती पांच भागों में कहां विभक्त होती है, सरस्वती पांच भागों में कहां विभक्त होती है? बोले कहीं नहीं होती, पर इस मंत्र को तुमने कोट किया है, इसका तो ये वर्णन नहीं है। तो इस सारा का सारा जो अर्थ खुलेगा इसी पद्धति से खुलेगा। योगिकत्व योग रूढ़त्व के सिद्धांत के आधार पर व्याख्यात हुए, जिससे दयानंद द्वारा व्याख्यात वेद भाष्य में आने वाले इतर नामों के व्याख्यान की शैली भी प्रदर्शित हो जाती है। इसलिए इससे सायण प्रवृत्ति मध्यवर्ती भाष्यकारों ने तथा वेदों पर कार्य करने वाले मैक्स मोलर, विल्सन, ग्रासमान, ग्रिफिथ, मैकडोनल्ड, कीथ, विजने आदि विदेशी विद्वानों ने वेदों की आधार भित्ति पर जो इतिहास का चमकीला महल खड़ा कर लिया है, वह शाक्तायन, यास्क आदि महर्षियों से प्रवर्तित और दयानंद से प्रवर्तित, प्रसारित, आंदोलित एवं तरंगित योगार्थवाद के प्रबल आघात से पूर्णतः धराशायी हो जाता है। वस्तुतः वेद में इतिहास का अन्वेषण प्रथम दृष्टि में जितना अधिक तर्क संगत एवं प्रलोभक प्रतीत होता है, उससे भी अधिक अयुक्ति युक्त एवं विपज्जनक है। यदि इतिहास की सरणी पर चलें, तो सचमुच वेद के प्रत्येक मंत्र पर इतिहास रचा जा सकता है। यदि आप इतिहास की बात करते हैं तो प्रत्येक वेद मंत्र पर इतिहास रचा जा सकता है। और पंडित जी ने तो ये किया था, गुरुकुल कामनी में जो ये पंडित इंद्र जी का, श्रद्धानंद जी का इतिहास लिखा उन्होंने वेद मंत्र, ये एक प्रकार व्यंग्यात्मक शैली थी, व्यंग्यात्मक शैली। बृहत देवता ग्रंथ के रचयिता शोनक ने ऐसे ही कल्पित इतिहास का नमूना प्रदर्शित किया है, जिसे हम सच मान बैठे हैं। ये सारा का सारा जो गड़बड़ हुआ है ये शोनक की देन है, बृहत देवता के आधार पर रही है, और इतिहास की पुष्टि के लिए उसे उद्धृत करते रहते हैं। वेद मंत्रों में पद पद पर इतिहास के अनुसंधान की प्रवृत्ति यदि बढ़ती गई तो निश्चय ही वेदों में जो पारमार्थिक और व्यवहारिक रहस्यार्थ छिपे हैं वे सर्वथा अध्येताओं की दृष्टि से ओझल होते जाएंगे। देव दयानंद की दूरदर्शनी दृष्टि ने वेदार्थ पर आने वाली इस विपत्ति को सामने खड़ा देखकर ही वेदानुसंधान में प्राचीनों द्वारा प्रतिपादित शब्दों के धातुजत्व के सिद्धांत को दृढ़ता पूर्वक ग्रहण करने का सक्रिय परामर्श प्रदान किया है। महावैयाकरण शाक्तायन एवं निरूपकार यास्क से रोपी गई वेद वृक्ष पर लहराती हुई एवं दयानंद रूपी माली से सींच सींच कर पल्लवित और पुष्पित की गई योगार्थवाद की मनोरम बल्लरी को आंख से ओझल न करके ही हम वेद कल्पत्रुम की मधुमय मनोहारिता का दर्शन करने एवं उसकी शीतल एवं सुगंध छाया को प्राप्त करने में समर्थ हो सकते हैं। अंत में मैंने वर्णन किया, मैं पंडित युधिष्ठिर मीमांसक जी की भी एक चर्चा थोड़ी सी एक मिनट में करना चाहूंगा। वो इसके साथ में है, ज्वलंत जी ने शायद उसको न किया हो, मुझे पता नहीं जो है ये, परंतु वो ये कहते हैं, उन्होंने लिखा है कि जो वेद मंत्र हैं ये वेदों को जो आम आदमी के साथ में जोड़ने का जो प्रयास किया है वो दयानंद ने किया है, जो ये युधिष्ठिर मीमांसक के शब्द हैं, वो संस्कृत में हैं जो ये, और ये बिना योग रूढ़त्व के आधार पर ये पॉसिबल नहीं था, इसलिए मैं उनको प्रणाम करता हूँ इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी बात। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर दिनेश चंद्र शास्त्री जी, आपने पंडित रामनाथ वेदालंकार के आलोक में स्वामी दयानंद के वेद भाष्य की विशेषताओं पर प्रकाश डाला। अभी हमारे पास इस सत्र में दो विशिष्ट वक्ता और हैं। मे आई नाउ इनवाइट डॉक्टर सतीश प्रकाश जी फ्रॉम न्यूयॉर्क यूएसए। डॉक्टर सतीश प्रकाश जी, वी वेलकम यू ऑन बिहाफ ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी शिमला।
I am reading his brief bio line. Dr. Satish Prakash graduated from the University of Guyana in 1974, first degree in Spanish and French. In 1977, he traveled to India to study Sanskrit grammar and etymology according to ancient methods of Gurukula instruction. In 1985, he earned his Doctor of Philosophy degree from Gurukul Kangri University, Haridwar, whose Chancellor is our chief guest today. He is present among us, and whose Vice Chancellor will be the next speaker. A very pleasant moment for you, Dr. Satish Prakash ji. During the 8 years he spent at the Gurukula, Dr. Prakash studied the Vedangas and Upangas, other exegetical words called Brahmanas, Aranyakas, Pratishakhyas, and Sutras. He has had intensified discussions with celebrated scholars involved in researching upon the Veda. He brings to the West an in-depth understanding of the etymological method of Vedic interpretation structured by Maharshi Yaska thousands of years ago and rejuvenated by Rishi Dayananda in modern times. Dr. Satish Prakash has evolved into becoming a thinker and writer of considerable caliber. He currently resides in New York City and travels to many countries lecturing on Veda and allied subjects. He is the founder Acharya of Gurukula in Guyana and New York. And his topic for today is highlighting contribution of Dayananda Saraswati in resuscitation of Arya civilization. Thank you, Dr. Arya. वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते अनाय ॐ शान्ति 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 Pandita Indrani, who is there, has come with me to this conference. Can you all hear me? We are not very well practiced in speaking Hindi because Hindi is not our mother tongue, mother language. Our language is English, but I have developed some practice to my Ablo who says, Mati Chahunga, ki dono bhasha, English or Hindi, dono bhasha ki main bolu. दूसरी बात यह है कि मैंने अपना विषय बदल दिया है थोड़ा कारण कि डॉक्टर वेद पाव और डॉक्टर दी अदर जेंटलमैन दोस कृषि दे स्पोक एवरीथिंग आई हैड टू से जो कुछ मेरे पेपर में था उन सब तथ्यों को इन लोगों ने व्यक्त किया अब कुछ रहा नहीं बोलने के लिए तो आज सुबह 2:30 बजे उठ के मैंने एक नया विषय तैयार किया और जब मैं खल चुका था तो बाहर आया था डॉक्टर वेदपाल जी और डॉक्टर विनय जी मिले मैंने कहा आप लोगों के आप लोग मेरे दोषी हैं आप लोगों ने मेरे सारे विचार छीन लिए सो मैंने सोचा व्हेन आई वाज अबाउट 16 और 17 इयर्स ऑफ एज आई रेड अ बुक बाय रामेन रोलंड एंड ही टॉक्ड ऑफ ऑल द उन्होंने 19th सेंचुरी के सारे प्रमुख समाज सुधारकों की बात की है रामकृष्ण परमहंस राजा राम मोहन रॉय एंड द थियोसॉफिकल सोसाइटी मिसेस अनी बसंत एंड एवरीबॉडी एंड अंत में उन्होंने ऋषि दयानंद जी की बात कही एंड सिंस देन उस समय से मुझे ऐसा पता लगा कि ऋषि दयानंद इन सबसे भिन्न थे यहाँ तक भले ही अपने पूज्य शंकराचार्य तो महान पंडित थे लेकिन दृष्टिकोण वैभिन्न होने के कारण ये भी इनसे भी कई दृष्टियों से महर्षि दयानंद भिन्न थे सो हाउ वाज महर्षि दयानंद डिफरेंट फ्रॉम ऑल ऑफ दीज थिंकर्स इट्स अनलिमिटेड समथिंग बिफोर आई गो इनटू द टॉपिक देयर वर टू
revolutionaries in the 19th century. One was Karl Marx, and one was Dayanand Saraswati. Karl Marx was born and he lived in Europe, and Dayanand Saraswati was born and he lived in the Indian subcontinent. And both Karl Marx and Dayanand rebelled against religious authority. He against the Pope and he against the Brahmins. And Karl Marx wrote the Manifesto of the Communist Party. He, Dayanand, wrote the Satyagraha. He established communism in not only Russia and China, but in many parts of the world. It was a very catchy economic method. Communism ruled many parts of the world. And he, Dayanand Saraswati, established the Arya Samaj. He targeted the youth of Europe. Karl Marx ne युवा वर्ग को केंद्रित किया अपनी क्रांति को पहिया देने के लिए मोबिलिटी देने के लिए and he, Dayanand Saraswati, targeted the womb of Mother India when he came out with the Sanskar Vidhi. His communism has collapsed. His Arya Samaj is still alive. मैं विडंबना के साथ नहीं कहता हूँ लेकिन ब्रह्मो समाज गया अभी कलकत्ता होके आया हूँ पांच लोग जाते हैं साधारण ब्रह्मो समाज खेत की बात है क्योंकि कुछ दिग्गज पंडित उस समाज में पैदा हुए राजनारायण बोस अक्षय कुमार दत्त होस्ट ऑफ देम सारा का सारा वो क्रांति समाप्त हो गई मैं गया था डॉक्टर सुरेंद्र के साथ मुंबई मैं गया था प्रार्थना समाज देखने अब कईयों से पूछा ये प्रार्थना समाज कहाँ है कहाँ है ये रोड है ना ये प्रार्थना समाज रोड नहीं 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 प्रार्थना समाज बिल्डिंग वो चीज आनी है तो बाद में 6 बजे के आसपास डॉक्टर सुरेंद्र ने कहा स्वामी जी उसमें बोतल का रखना पानी का बोतल ले लेने प्लीज तब 6 बजे के आसपास डॉक्टर सुरेंद्र ने मुझसे कहा अरे भैया देखो प्रार्थना समाज द पेंट वॉज फॉलिंग ऑफ The paint was falling off the side of the building. And I said to the man, but this is the Prashna, sir, it's a band parasa, sat was shown. Haan, main manta hu, aaj samaj kamzor thoda ho gaya. Lekin jaise Vinay ji keh rahe thi, Dr. Vinay, bahut kuch reh gaya. ज्ञान की परिभाषा अगर आपको हो सकता है कि वेद को विश्वव्यापी बनाने में हम लोग थोड़ा बहुत फेल हो गए मैं मानता हूं अब तो मेहता जी कह रहे थे लेकिन बहुत कुछ रह गया आर्य समाज में एंड फॉर दैट आई एम प्राउड पंडिता इंद्राणी एंड आई आर प्राउड भले ही हम लोग म्लेच्छ भूमि पर पैदा हुए और एक दृष्टि से हम लोग राक्षस है हम लोग आर्य नहीं है लेकिन फिर भी आर्य परिवार में पैदा होने से बचपन से हम संध्या मंत्र भवन मंत्र भजन ये वो हम सीख हम लोग गर्व का अनुभव करते हैं कि आर्य समाज 1910 में देवता स्वरूप भाई परमानंद गए थे ब्रिटिश गयाना और ब्राह्मणों की सहायता से देवता स्वरूप ने आर्य समाज का बीज बोया हो तो मैं कहता हूं ये दयानंद सरस्वती ओवरनाइट रातों रात नहीं बने दयानंद सरस्वती को अ सेट ऑफ प्रिपरेशंस उनको तैयारी में से गुजरना था और वो शुरू हुआ शिवरात्रि की रात को विचारों में मग्न वो बालक उनके पापा जी क्या नाम था उनके पिताजी करशन तिवारी कहते बेटा अगर सारा दिन ना खाएं और सारी रात जागते रहें तो रात को शिव जी का दर्शन होगा और बालक भगवान से मिलने की इच्छा से प्रेरित होकर के वो शिव मंदिर गए सब लोग क्या नाम है ओम नमः शिवाय बोल रहे थे और वो बालक भी देखते रहे 11 बजे 12 बजे 1 बजे सब लोग सोने लगे तो उन्होंने कहा कि इनको क्या इनको भगवान का दर्शन नहीं चाहिए क्यों सो रहे हैं तो खैर इसने पानी फेंका अपने आंखों पे डाला और जागता रहा तब वो घटना घटी जिसको मैं नहीं दोहराऊंगा तो पापा के पास चाचा के पास ये क्या हो रहा विचार तंत्र शुरू हो गया एक क्रांतिकारी के बनने में ऐसा रातों रात दयानंद क्रांतिकारी बने नहीं
तैयारियों में से गुजरना था। घर गए, आप लोग कहानी जानते हैं, मैं अपना विषय, और पिताजी ने उनको यजुर्वेद कंठस्थ कराया, भले ही लिखित वेद नहीं सामने आया, वेद नहीं था। मैं आपको बताता हूं, जेटीएफ आप म्यूट करिए उसका, जेटीएफ जॉर्डन्स के कहने से दयानंद के सामने क्रिश्चियन मिशनरीज ने वेद रखे। जब मेरे रिसर्च के अनुसार जर्मनी से मंगाया, लिखित वेद मुद्रित वेद था ही नहीं, लेकिन हाँ उनको कंठस्थ कराया यजुर्वेद, क्योंकि बाद में जाकर के उस यजुर्वेद के साथ साक्षात करेंगे। जब उन्होंने उवट महीधर का अर्थ पढ़ा, गणानां त्वा गणपतिम हवामहे, इतनी अश्लीलता है उस मंत्र के साथ जो जुड़ी हुई, दयानंद का नन 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 ये वेद नहीं हो सकता है, मुझे अपनी ही भाषा लिखना है। ही फेस डेथ, बहन की मृत्यु, चाचा की मृत्यु, भगवान बुद्ध की तरह, व्हाट इज डेथ, क्या डेथ मृत्यु का कोई उत्तर नहीं हो सकता है। एंड व्हेन दे वर रेडी टू गेट हिम मैरिड, हर समय वे विचार में मग्न थे, और जब उनकी शादी की तैयारी योजना हो रही थी, वे घर से निकलकर वे भागते रहे भागते रहे भागते रहे, ये भागना भी उन तैयारियों में से एक आवश्यक प्रक्रिया। और 14, कुछ लोग कहते 13, ज्वलंती जी शायद बताए, 13 या 14 वर्षों तक लगातार अंधेरी गुफाओं में झांकना, रेप्टाइल से भरी हुई नदियों को पार करना, बर्फीली नदियों को पार करना, जंगलों में से गुजरना, ईश्वर की खोज, उस समय ईश्वर ने योगियों की खोज में मुझे डेथ का सीक्रेट कौन सिखा सकता है, बुद्ध की तरह। और खोजते खोजते जब एक बार अलकनंदा को पार करना था, वहां माना गांव था, शायद मैं शब्द गलत बोल रहा हूँ, या तो मना या माना, माना गांव देखा, और वहां 4 घर थे, और कहीं ऐसा नहीं ये लोग किसी को जाने जो योगी हो जो मुझे सिखा सकता है। और अलकनंदा को पार करने का प्रयास किया, बर्फ था उसमें, सारा शरीर कट गया, कैसा भी हो उधर पहुंच गया। जब पहुंच गया तो उन लोगों ने कहा, स्वामी जी अभी चलिए हमारे घर में, वहां आपको हीच गर्माहट मिलेगा। नहीं नहीं, मैं उठ नहीं सकता, मैं शक्ति विहीन हूँ इस समय। अब वहीं रहे, थोड़ा एक रोटी और बैगन खाया, शक्ति आने पर वो ओखी मठ या जोशी मठ कौन सा वहां मुझे याद है, उस मठ में वापिस चला गया। अंत में अब यहां से टर्निंग पॉइंट आ गया, कैसे बने दयानंद सरस्वती, जिसका आर्य समाज कम्युनिज्म के समाप्त हो जाने पर भी आर्य समाज अभी जीवित है। वे मिले स्वामी विरजानंद से नवंबर 1860। कौन? मैं एक सन्यासी हूं, लेकिन कौन हूं सो जानता नहीं, लेकिन मुझे दयानंद सरस्वती कहते। क्या चाहिए? यहां पढ़ने आया हूं। क्या क्या पढ़ा? मनोरमा ये वो, देखो भाई सुनो, ये सब अनाश ग्रंथ है, किसी अन्य समाज सुधारक या किसी वैयाकरण ने व्याकरण विद्या की प्रशंसा करते हुए ये जो आर्ष अनाश का विभक्तिकरण है, किसी ने ऐसा नहीं किया। देखो दयानंद, ये उस इस युग में लिखे गए, उस युग में लिखे गए कुछ ऐसे विशेष ग्रंथ जिनमें से अष्टाध्यायी महाभाष्य है। वे ऋषि लोग थे, वे शुद्ध जीवन जीते थे, और वे लोग जिस संस्कृति सभ्यता की स्थापना की, वो सभ्यता और संस्कृति ज्योति और विद्या के स्तंभ पर वे टिके हुए। आजकल का जो विद्वान है दरबारों में है, राजाओं को प्रसन्न करने के लिए, जो राजा शराब पीते हैं और एक शब्द का प्रयोग करता हूँ, वे शापन करते हैं, उनकी प्रशंसा में ये लोग लिखते हैं। इन लोगों ने ये मनोरमा आदि लिखा है। इन ग्रंथों का कोई विशेष महत्व, जो विद्या मैं यहाँ पढ़ाता हूँ, आर्ष ग्रंथों में वर्णित विद्या, आप उस विद्या को अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे अगर इन ग्रामर टेक्स्टों को आप पढ़ने जाओ। बहाव यमुना में
अरे गुरु का प्रथम आदेश, उस समय प्रिंटिंग प्रेस ज्यादा नहीं थे, उस समय पुस्तक क्या नाम है आसानी से उपलब्ध नहीं होती थी, तब भी गुरु के आदेश को मान करके दाम लिया और वापिस आए। एक और बात कही, संस्कृत लिटरेचर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, द प्री महाभारत बुक्स एंड द पोस्ट महाभारत बुक्स। These books, pre-Mahabharat books, were written by people of a high level of spiritual, moral, and intellectual greatness. These books, India doesn't know these books anymore. आज का भारत इन पुस्तकों से परिचित नहीं है। नैषधीय चरितम् और अभिज्ञान शाकुंतलम्। अरे मैंने पढ़ने का प्रयास किया, मैं तो वेद विभाग का था, अखबारा विभाग, और मैंने कहा दिखाओ आप लोग क्या पढ़ते हैं इस विभाग में। जब मैंने देखा, मैंने कहा कुछ सार विशेष निकलता नहीं इन पुस्तकों से, लेकिन इधर अथ योगानुशासनम, अथ का अर्थ है योग का अर्थ है, अनु का अर्थ है, शास का अर्थ है, अर्थ फिल्ड विथ मीनिंग। India needs this. India doesn't need this. Arey, Dayanand. And when he started studying, he and Virjan, jaise Dayanand was gold, sona tha, aur Virjanand was a sonar. Aur jaise sonar jala peet peet ke, kya naam hai, black gold, aur jala ke, ek na ek din wo chamak jata hai. Aisa Dayanand ko kai baar mara Dayanand ne. Kai baar Virjanand ne Dayanand ko mara. जब वो झाड़ू कांड धूल कांड मारा, यहां तक मेरे ख्याल से यहां कट गया और अपने शिष्यों को बाकी को मेरे गुरु जी का आशीष। तब उस जाकर के सोना बन गया, तब जाकर के सोना बन गया। अब देखिए, ना अध्यापक था विरजानंद जैसा, ना छात्र था दयानंद जैसा। देने को वे तैयार थे, लेने को वे तैयार थे। उस समय 1860 ना पहुंचते तो जीवनी लेखकों का कहना है कि अगर 1860 से पहले पहुंचता तो दयानंद को अष्टाध्यायी महाभाष्य का प्राध्यापन ना होता, उनको सिद्धांत कौमुदी का प्राध्यापन। कारण कि वहां एक घटना घटी, रंगाचार्य मेरे ख्याल से, मुझे याद नहीं है, रंगाचार्य के छात्र और विजयानंद के छात्र आपस में शास्त्रार्थ कर रहे थे व्याकरण की बिंदु पर, और पंडित निर्णायकों ने पंडितों के पक्ष में निर्णय दिया और काशी के पंडितों ने इन निर्णायकों का समर्थन किया, और विजयानंद ने बड़े क्रोधी थे, विजयानंद ने अपना स्कूल बंद कर दिया मथुरा, और उन्होंने सोचा अब मैं कौमुदी नहीं पढ़ाऊंगा, मैं अष्टाध्यायी क्रम पूर्वक ऋषिकल्प वो मैं पढ़ाऊंगा। 1860 से पहले वे आते तो उनको कौमुदी का ज्ञान मिलता, 1863 के बाद वे आते तो वे शायद विरजानंद दंडी स्वामी का शरीर ना देखता। जब आए थे ओ एकदम अपॉर्चून मोमेंट, it was the right time for Dayanand to come to Virjanand school. Ab nishnat hue, snatak hue, wo lavan kand aap log jante hain, ye ek kshatriya takshana nahi chahiye, to phir yehi hai aur kuch nahi mere paas, ye jo langot mein pehenta ye bhi mera nahi, aap le lo guru ji, ha kya takshana aise nahi bane overnight, निकले जाओ बेटा जाओ, अंधेरा छा गया, जाओ वेद ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित करके निकलो। जब निकले तो नवीन वेदांती, पौराणिक, वामार्ग, बौद्ध, जैन, क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स और बहुत सारे मिले, और सबका सिद्धांत अलग अलग है। जिन सिद्धांत वैभिन्न से कंफ्यूजन फैल गया पूरे भारत के अंदर, और दयानंद ने धीरे धीरे
वक्तव्य, शास्त्रार्थ, पर्सनल इंटरव्यूज, अब बाद में कलकत्ता से लौट करके पुस्तक ग्रंथ लेखन, वहां जाकर के इन्होंने, भले ही थे अच्छे आदमी रविंद्रनाथ टैगोर के पिताजी महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर, लेकिन पुस्तक लिखा ब्रह्मोधर्म, ब्रह्मो समाज इतना छोटा है, ब्रह्मोधर्म ये ग्रंथ यहां तक चलेगा। दयानंद ने बाद में प्रेरित होकर के, ही वॉज इंस्पायर्ड बाई महेंद्र देवेंद्रनाथ टैगोर, ही वॉज इंस्पायर्ड बाई बाबू केशव चंद्र सेन, लेकिन जब बाबू जी ने कहा काश आपको इंग्लिश आती, दयानंद कहते काश आपको संस्कृत आती, आप क्या भारत में पैदा होकर के रहते हुए आप वहां की बोलबाला कर रहे हैं, यहाँ की भाषा की प्रशंसा करें, संस्कृत सीखो। उनको सेकंड क्राइस्ट बनना था, बाबू केशव चंद्र सेन को सेकंड क्राइस्ट बनना था। इस कारण एक शब्द कहते हैं इंग्लिश में एक्लेक्टिक, और स्कॉलर्स में नो थोड़ा यहाँ से थोड़ा वहाँ से थोड़ा वहाँ से थोड़ा इस्लाम से थोड़ा क्रिश्चियनिटी से थोड़ा जेन अवेस्टा से थोड़ा और पता नहीं कहाँ कहाँ से सब बना दिया ब्रह्मोधर। ये लोग जनेऊ पर आस्था नहीं, वेदों पर आस्था नहीं, और पुनर्जन्म पर आस्था नहीं, और समय बीतने पर दिग्गज पंडित उस समाज में होने पर भी वो समाज गिर गया। दयानंद के आर्य समाज में अन्य तरह के पंडित आए थे। अब आई डोंट वांट टू गो बियॉन्ड माय टाइम, 5 मिनट्स, अच्छा 5 मिनट्स। देखो प्रोफेसर जी, इन लोगों के कारण आज सुबह सुबह सवेरे उठ करके मैंने इसको तैयार किया है, इनको दोषी ठहराना है। तो कैसे भिन्न थे महर्षि, देखिए वैसे 4-5 पॉइंट मैंने पंडित जी गिना दिए। मैं पढ़ता था व्हाट आर द वेदास, द वेदास आर मेड अप ऑफ संहितास, ब्राह्मणस, आरण्यकस एंड उपनिषद्स। जब बाद में मैंने पढ़ा वेद सिर्फ संहिता भाग है, ये ब्राह्मण ऋषिकृत है, ये आरण्यक ऋषिकृत है, ये उपनिषद ऋषिकृत है, ये ऋषिकृत नहीं है, ये ईश्वर प्रोक्त, ये पारिभाषिक शब्दावली सीख रहा हूं मैं, ईश्वर प्रोक्त, ये ईश्वर प्रोक्त नहीं है। एक नंबर वो, इस क्षेत्र में ऋषि दयानंद भिन्न निकले और बहुत जोर से ब्राह्मण राजा, क्या नाम था बनारस के राजा, आप शिव प्रसाद सितारे, आपस में बहस होने लगा, आप ब्राह्मण को वेद के अंतर्गत क्यों नहीं मानते हैं। तो चलो इन्होंने निपुण उत्तर दिया, उसके लिए समय नहीं, जगन मिथ्या ब्रह्म सत्यम, और छा गई वो विचारधारा छा गई पूरे भारत के अंदर, ये सब कुछ मिथ्या है, एक ही तत्व है जिसका अस्तित्व है ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्म। ये जीव जो है ना हमारा, जो इंडिविजुअल सोल, दिस इज अ पार्ट ऑफ गॉड, स्पार्क चिंगारी की तरह, स्पार्क अग्नि से निकलती है और स्पार्क में ही जाकर के लीन हो जाता है, हम लोग वैसे ही जीवात्मा। तो आरंभ में किसने अलग कर दिया ब्रह्म से, इस जीवात्मा को ऋषि ने पूछा किसने अलग कर दिया है, ये लोग उत्तर देने में ऋषि का नैपुण्य एकदम व्यक्ति को प्रभावित करता है। और बाद में जगन मिथ्या आदव अंते यन नास्ती, आप इसको लिखते हुए मुझे आपकी याद आई, वर्तमाने भी तत्था, अरे भाई सृष्टि के बनने से पहले जो नहीं था और इस प्रलय के पश्चात जो नहीं होगा, अरे वर्तमान में भी नहीं है, ये है ही नहीं, इसका कोई अस्तित्व नहीं है, ये मिथ्या है। जल्दी एक बताता हूँ, हरिद्वार के वहां में था और एक सन्यासी एक मादक द्रव्य को लेकर के सिगरेट बना रहा था, मैंने कहा स्वामी जी, स्वामी शंकराचार्य आकर के देखें आपको तो आपका निंदा करें, आपकी निंदा करें, अरे बेटा ये सब माया है। बाहर के आक्रमक सुनिए, बाहर के आक्रमक जब बॉर्डर को सीमा को पार करके भारत में हिंदू राजाओं को मारने के लिए आए, तो पंडित गण्य का ये सब माया है, आने दो, क्षत्रियों का क्षत्रियत्व समाप्त हो गया, रोने का दिन। ये है अद्वैत वेदांत का दुष्प्रभाव। देखो शंकराचार्य महर्षि के लिए पूज्य थे, उन्होंने वैदिक धर्म को बचाया, लेकिन महर्षि ने स्पष्ट कहा आपके सिद्धांत से मेरी सहमति नहीं है। और जैसे है ना
क्या बोलते हैं मकड़ी, मकड़ी के अंदर से जो जाल निकलता है ना, यथा यथा ऊर्णनाभि सृजते गृह्णते च। अरे महर्षि नंदन आप समझते नहीं, मकड़ी के शरीर से बना है। तब उन्होंने दो विशेष तीन वैसे दो विशेष कारण बताया, निमित्त कारण और आप बताओ दूसरा उपादान कारण। ऋषि के आने से ये पारिभाषिक विद्या है। आत्मा शायद अनशनन अभिचाकशीति के कारण लोग कहते हैं आत्मा कुछ नहीं करता, शायद छोटा मुंह बड़ी बात, शायद अनशनन अभिचाकशीति से लोग कहते हैं आत्मा कुछ नहीं करता, जो कुछ करता मन करता बुद्धि करती है, आत्मा कुछ नहीं करता। ऋषि थे ही प्रथम दार्शनिक जिन्होंने कहा आत्मा से जुड़ा हुआ है ज्ञातृत्व कर्तृत्व और भोक्तृत्व। The आत्मा knows, the आत्मा performs actions and the आत्मा experiences the results। और इस आत्मा से जुड़े हुए इतने वाद निकले, अद्वैतवाद, विशिष्ट अद्वैतवाद, द्वैतवाद। डॉक्टर प्रियंवदा जी एक जगह पर बोल रही थी अद्वैतवाद, उस समय मैं समझ नहीं पाया लेकिन बाद में समझा मध्वाचार्य, और मध्वाचार्य शंकराचार्य से इतने नाराज थे उन्होंने उनको प्रचंड बौद्ध कहा, आप छिपे हुए बौद्ध है, आपका सिद्धांत गलत है। यहाँ तक कि रामानुजाचार्य ने भी कहा मैं आपसे सहमत नहीं, लेकिन उन्होंने भी जो बात कही ये ईश्वर है और ये चित अचित गुण है, ये ईश्वर है और इस द्रव्य के दो गुण है चित और अचित। दयानंद का ना 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 ब्रह्म ईश्वर जीव और प्रकृति पहली बार आजकल मैंने इस त्रैत को लेकर के शब्द निकाला ट्रायडिस्टिक, लेकिन मान्य नहीं है लेकिन प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि मेरी थीसिस है ना महर्षि दयानंद की बृहत्त्रयी, बृहत्त्रयी शब्दावली जो है ना वो मान्य नहीं है, अब मान्य हो गया महर्षि दयानंद की बृहत्त्रयी। चलो मैं डॉक्टर चौकसी जी से मैंने लिया है परमात्मा नेम क्वालिटीज एक्शंस नेचर एंड पोजेशंस, जल्दी करूंगा आगे बढ़ूंगा मुक्ति। अरे मैंने पढ़ा शिवपुर मोक्ष शिला चतुर्थ आसमान सातवां आसमान श्रीपुर कैलाश बैकुंठ गोलोक, ये भी पढ़ा, देखिए ये भी पढ़ा क्या एक, ये भी पढ़ा वो क्या है, एक मिनट सारूप्य सालोक्य सानुच्य सालोक्य सानुच्य सारूप्य सामीप्य सायुच्य। अब समाप्ति की ओर आता हूँ डॉक्टर जी, लेकिन महर्षि ने कहा भाई ये सब कैद है, आज सारी आत्माएं जो मुक्त होकर के इसमें थे सारे के सारे कैदी है, बाहर नहीं आ सकते। देखो मेरा वैदिक मुक्ति धारणा क्या है, तृतीय ओम सर्वबंधुजनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वयत्र देवा अमृतमानशानः। इंग्लिश में कहते हैं जिस अवस्था में स्वेच्छापूर्वक विचरते हैं, हमारी आत्माएं मुक्त होकर के वैदिक मुक्ति के अनुसार बंद नहीं पड़े हुए स्वेच्छापूर्वक। ओ दे वॉक ऑल ओवर द दे ट्रैवल ऑल द प्लेस, क्या करते हैं मुक्ति का आनंद का उपभोग करते हुए। मैं अब समाप्त करूंगा डॉक्टर प्रोफेसर शशि प्रभा के की उदार भावना को मैं क्या नाम है उल्लंघित करना नहीं चाहता, ना अनावश्यक लाभ उठाना चाहता। अब अंत में डॉक्टर विनय जी के साथ हूँ जब मैं ये कहता हूँ डॉक्टर जी मैं भी अनेक अनेक कार्यशालाओं में कॉन्फ्रेंसों में मैं गया, बट दिस वाज द बेस्ट। मेरी त्रुटिपूर्ण हिंदी को आप माफ कर लें, हम लोग अभ्यस्त नहीं है ज्यादा, भाषा उत्पीड़न भाषा है, लोग मुझ पर बहुत हंसी करते हैं। एक दिन मैंने कहा जनसंख्या अधिक्य से बहुत परेशान होते हैं, क्या जनसंख्या अधिक्य excessive human population, आप ये क्यों नहीं कहते हैं लोग
ज्यादा होने के कारण ऐसा क्यों बोलते हैं जनसंख्या अधिक भाषा स्वाभाविक नहीं है आप क्षमा से ओम मान रहे मानत रहे मानेगा संसार आदि हूं से जिस धर्म को वही धर्म का सार गुरुवर दयानंद की डॉक्टर जी गिव मी वन मोर मिनट अंधविश्वास के कोहरे को हटा मैं रहूंगा सुनो अंधविश्वास के कोहरे को हटाया उसने मोह की नींद में सोतों को जगाया उसने आप हर रात बना डाले आप हर रात बना डाले वो शिव रात की रात जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो शिव रात की रात मूल शंकर के मचलते हुए जज्बात की रात बोले मेरे साथ जिंदगी भर नहीं भूलेगी ओम शम बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सतीश प्रकाश आर्य जी आपने अपने मार्मिक उद्बोधन से हम सबको द्रवित किया प्रेरित किया और अपनी भावनाओं को बहुत ही सशक्त रीति से प्रस्तुत किया हम बहुत धन्यवाद करते हैं आपके प्रति इतनी दूर से यात्रा करके आप यहाँ पधारे और विषय नया लेकर आपने क्योंकि ये आपके अंदर एक लगन है एक तड़प है आप सच्चे अर्थ में दयानंद की विरासत के हकदार हैं धन्यवाद और अब मैं अंतिम वक्ता गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर सोमदेव शतांशु जी को निमंत्रित कर रही हूँ आपने गुरुकुल प्रभात आश्रम से अध्ययन किया है वेद और संस्कृत व्याकरण आपके अध्ययन के विशेष क्षेत्र हैं आप डॉक्टर आर जी राहुरकर सम्मान डॉक्टर मुमुक्षु आर्य आश पाठवेधि पुरस्कार एवं वेद विद्वत सम्मान आदि से सुशोभित हो चुके हैं अध्यापन शोध निर्देशन प्रकाशन एवं संपादन कार्यों में जुटे होने के बाद आपका प्रशासनिक अनुभव भी महत्वपूर्ण है और आज के लिए आपने बहुत ही उपयोगी एवं गहन विषय लिया है स्वामी दयानंद के शास्त्रार्थ ॐ महोवर्णः सरस्वती प्रचेतयति केतुर धियो विश्वाविराजति भारतीय उच्चतर अध्ययन संस्थान के वैदिक विदुषी इस कार्यक्रम के अध्यक्ष मेरे गुरुतुल्य सम्मान्य प्रोफेसर शशि प्रभाकर कुमार जी इसके उपाध्यक्ष भारत के संसद में वैदिक ज्ञान विज्ञान तथा महर्षि दयानंद के सिद्धांतों के संधनात करने वाले गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के पूज्य कुलाधिपति डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी आर्य जगत के सभी मान्य विदुषी बहने आर्य जगत के सभी प्रसिद्ध विद्वान प्रिय छात्र छात्र स्वामी दयानंद के शास्त्रार्थ इस शोध लेख में मेरे सहयोगी प्रोफेसर ब्रह्मदेव विद्यालंकार जी संस्कृत विभाग के प्राध्यापक ने भी सहयोग प्रदान किया है जैसा कि हम लोग जानते हैं सृष्टि के प्रारंभ में परमात्मा ने मानव मात्र के कल्याण के लिए वैदिक ज्ञान का अग्नि वायु आदित्य अंगिरादि के ऋषियों के हृदय में यह ज्ञान प्रारंभ किया और जब वेद ज्ञान लोगों के हृदय में साक्षात बोधगम में नहीं हुआ तब वेदांग उपांग इत्यादि के ग्रंथों की रचना की गई ताकि वेदार्थ सुबोध हो सहज बोधगम्य हो परवर्ती विद्वानों ने इस वेदार्थ को बहुत सरल करने के लिए वैदिक सिद्धांतों को प्रतिपादित करने के लिए अन्य अनेक ग्रंथों की रचना की लेकिन साथ ही अनेक मत मतांतरों अनेक अपनी
विचारधारा अपनी आस्था को जोड़ करके वेदार्थ को एक भ्रांत स्वरूप, एक उसके विकृत स्वरूप में भी लोगों ने इसको उपस्थापित किया। जिस पौराणिक सिद्धांतों को मानने वाले उनके लिए एक श्लोक कुर्म पुराण का मुझे दृष्टिगत हुआ, यानि शास्त्राणि दृश्यन्ते लोकेस्मिन् विविधानि च श्रुति स्मृति विरुद्धानि निष्ठा तेषां हि तामसी। तो उस तामसिक ज्ञान को दूर करने के लिए हमारे यहाँ अनेक प्रकार के शास्त्र चर्चा, वादे वादे जायते तत्वबोध शास्त्रार्थ की परंपरा प्रचलित रही, और इस शास्त्रार्थ परंपरा में सबसे पहले हम लोग इसको जो आदि गुरु शंकराचार्य जी हैं उस शास्त्रार्थ परंपरा को मानते हैं, और शास्त्रार्थ के प्रश्नोत्तर से ली वास्तविक हमारे उपनिषद आदि में भी इसके वर्णन देखने को वर्णन दिखाई पड़ता है। महर्षि दयानंद ने अपने गुरु गिरजानंद जी को, जिसका है अपने सतीश कुमार जी, अनेक मार्मिक शब्दों में वर्णन कर रहे थे, जो प्रतिज्ञा की थी, जो उनको वचन दिया था, दक्षिणा स्वरूप जो वागदान दिया था कि संसार में जो प्रसरित विविध प्रकार के अन्य मत मतांतर है, भ्रांत ज्ञान है, उन सबको दूर करने का मैं अपना संपूर्ण जीवन न्यौछावर करूँगा, इस प्रतिज्ञा की पूर्ति में उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन आहुत कर दिया। और इस भ्रांत अज्ञान की धारा को दूर करने के लिए उन्होंने लेखनी की सहारा लिया, और साथ साथ अपनी वाणी की व्याख्यान के रूप में, साक्षात के रूप में उन्होंने सहारा लेकर के आजीवन उस अज्ञान तपस को दूर करने में लगे रहे। स्वामी दयानंद के जो साक्षात है सत्य विद्याओं के प्रसारात, स्वामी दयानंद ने अनेक साक्षात किए तथा विविध प्रश्नों के उत्तर दिए। इन साक्षातों में काशी शास्त्रार्थ, हुगली शास्त्रार्थ, जालंधर शास्त्रार्थ, बरेली शास्त्रार्थ, उदयपुर शास्त्रार्थ, अजमेर शास्त्रार्थ, मसूदा शास्त्रार्थ तथा कलकत्ता शास्त्रार्थ, ये 8 से प्रसिद्ध हैं। क्रमशः इनका विवेचन संक्षेप से प्रस्तुत है। काशी शास्त्रार्थ, जैसा कि आप सभी लोग इससे सुपरिचित हैं, वेद ज्ञान का प्रचार प्रसार एवं वेद विरुद्ध मतों के खंडन करते हुए 21 सितंबर 1869 में रामबाग काशी में स्वामी दयानंद जी का आगमन हुआ। स्वामी जी वहीं एक वृक्ष के नीचे रहकर वेदोपदेश करने लगे। उनका वेदज्ञान एवं मूर्ति पूजा खंडन विषयक समाचार संपूर्ण नगरी में शीघ्र फैल गया। तत्कालीन साधु भक्त काशी नरेश महाराज ईश्वरी नारायण सिंह ने स्वामी जी के स्वागत सत्कार की व्यवस्था करी तथा धनादि का प्रलोभन देकर मूर्ति पूजा तथा पौराणिक मतों के विरोध से विरत करने का प्रयास किया, किंतु स्वामी जी समस्त प्रलोभनों एवं भय से अप्रभावित हो मूर्ति पूजा के खंडन में संलग्न रहे। इसी बीच काशी के अनेक पंडित, गणमान्य व्यक्ति तथा संत अविनाश मेहरोत्रा, पंडित ज्योतिस्वरूप उदासीन आदि स्वामी जी के पांडित्य से सुपरिचित हो चुके थे। मूर्ति पूजा के खंडन का प्रभाव काशी नगरी में परिलक्षित होने लगा था। लोग स्वामी जी के सत्संग का से प्रभावित होकर काशी का जो प्रसिद्ध दुर्गा मंदिर है उसका दर्शन किए बिना चले जाते थे। इस बात से वहाँ पंडित मंडली में खलबली मच गई और काशी नरेश तथा काशी के समस्त पंडितों ने ये न के न प्रकार साक्षात में महर्षि दयानंद सरस्वती को पराजित करने का षड्यंत्र किया। काशी के विद्वान श्री राम शास्त्री, दामोदर शास्त्री, बाल शास्त्री, राजराम शास्त्री शिष्यों को भेजते तथा कभी पंडित सालिकराम शास्त्री, पंडित ढूंढीराज शास्त्री, पंडित दामोदर शास्त्री आदि से ग्रंथ प्रामाण्य की सूची मंगवाते। काशी नरेश पंडित सखाराम भट्ट के से साक्षात में पौराणिक पंख रखने के लिए प्रस्ताव रखा तो वे अनेक बहाने बनाकर सामने नहीं आए। अंत में स्वामी दयानंद के पांडित्य से भयभीत सभी पंडितों ने गुंडागर्दी तथा हुड़दंग मचाने वालों को एकत्र करके काशी नरेश की मध्यस्थता में नवंबर 16, 1869 को काशी के आनंद बाग में साक्षात करने का निश्चय किया। एक तरफ अकेले स्वामी दयानंद, दूसरी तरफ काशी के मूर्धन्य स्वामी विशुद्धानंद, पंडित बाल शास्त्री, पंडित तारचंद्र आदि 14-40 विद्वान उपस्थित थे। पुराने के विद्वान में प्रमुख थे। ये सभी मूर्ति पूजा के समर्थन में एकत्रित हुए एवं स्वामी दयानंद को घेर कर बैठ गए। अतिरिक्त काशी नरेश महाराज ईश्वरी नारायण सिंह, काशी नरेश के भाई राजकुमार वीरेश्वर नारायण सिंह, तेज सिंह वर्मा आदि प्रतिष्ठित व्यक्ति इसमें उपस्थित थे। साक्षात प्रारंभ हुआ अनेक सुरक्षा के मध्य। सर्वप्रथम पंडित ताराचरण तर्क शास्त्री जी ने प्रारंभ करते हुए प्रश्न किया, यदि आप लोग वेदों का प्रामाण्य स्वीकार हो तो वेदों में पाषाण आदि मूर्ति पूजा का प्रमाण कहाँ है, प्रस्तुत करें। पंडित ताराचरण ने वेदों की प्रामाणिकता को
प्रामाणिकता को स्वीकारी, किंतु स्वामी जी की मूर्ति पूजा विषय से, स्वामी जी को मूर्ति पूजा विषय से भटकाने की इच्छा से वेदोत्तर ग्रंथों के प्रामाण्य अप्रामाण्य विषय को उपस्थापित कर दिया। स्वामी जी ने कहा मनुस्मृति आदि ग्रंथ वेद मूलक है, वह ग्रंथ प्रामाणिक है, वेद विरुद्ध ग्रंथ प्रामाणिक नहीं है। मनुस्मृति की वेद मूलकता स्वामी दयानंद ने सामवेद के तांड ब्राह्मण के उद्धरण से प्रमाणित की। यद वे किंचन मनुर अवदत भेषजम भेषजता इत्यादि। सर्वप्रथम पंडित तारचंद तटकत्व स्वामी जी ने इस पर तटकत्व जी ने निरुत्तर हो गए। तब स्वामी विशुद्धानंद ने प्रश्न किया रचनानुपत्तेश्च नानुमानम, इस वेदांत सूत्र की वेद मूलता क्या है, यह प्रश्न किया। स्वामी दयानंद ने कहा वितंडा का आश्रय लेकर भिन्न प्रकरण की चर्चा से बचें। विशुद्धानंद जी ने कहा यदि सब शास्त्र उपस्थित नहीं है तो शास्त्रार्थ के लिए क्यों आए। स्वामी दयानंद ने पूछा कि आपको सभी शास्त्र उपस्थित हैं, धर्म का लक्षण बताइए। विशुद्धानंद जैसे व्यक्ति उनको ये जो श्रुति स्मृति अनुमोदित जो धर्म का लक्षण है वो भी नहीं बता पाए। तो स्वामी जी ने कहा कि धृति क्षमा नमोस्ते एम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर्विद्या सत्यम अग्रहुषकम धर्म लक्षण। तब उनकी सहायता के लिए पंडित द्वार शास्त्री जी ने जी सामने आए। स्वामी जी ने उनका अधर्म का लक्षण पूछकर निरुत्तर कर दिया। तब अनेक पंडित स्वामी जी से पूछा कि वेद में कहीं प्रतिमा शब्द है या नहीं। स्वामी जी ने कहा सामवेद के षड्विंश ब्राह्मण में प्रतिमा शब्द का उल्लेख है, देवतायतनानि कंपन्ते देव प्रतिमा हसन्ति इत्यादि। यहाँ प्रतिमा शब्द का उल्लेख परमात्मा की प्रतिमा बनाकर पूजा करने का विधान नहीं है। पंडितों द्वारा पूछे जाने पर स्वामी जी ने उक्त प्रमाण के मंत्रों का अर्थ स्पष्ट किया। स्वामी जी ने वालशास्त्र से पूछा विघ्न दर्शिता कौन है। वालशास्त्र ने उत्तर दिया इंद्रियां, इंद्रियां देखने वाली हैं न कि दिखाने वाली। तथा सब प्राचीन दिशम अनुवा वर्तते, इस वाक्य में सशब्दवाच्य कौन है। स्वामी जी के इस प्रश्न पर बालशास्त्री चुप हो गए। पंडित शिव सहाय ने कहा शांतिकरण का फल इससे अभिप्रेत है। स्वामी जी ने इस प्रकरण के किसी एक मंत्र का अर्थ बताने के कहा। इस पर पंडित शिव सहाय जी मौन धारण कर लिया। उस समय आश्चर्य की बात है जितने भी 40 पंडित इकट्ठे थे किसी भी पंडित को वेद मंत्र की व्याख्या किसी वेद मंत्र को अर्थ करने की क्षमता नहीं थी। और जो अपने मधुसूदन ओझा है संभवतः वो भी उस शासन में वैसा उपस्थित है बता पाएंगे। छोटे पंडित थे तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा स्वामी दयानंद के सामने कोई भी सकाशिका पंडित अर्थ बताने में सक्षम नहीं है। तब मधुसूदन ओझा जी को उन्होंने वेद मंत्र को पढ़ने की प्रतिज्ञा कराया। तो मधुसूदन ओझा ने वेदाधिक पढ़ करके अनेक वेद परिग्रंथ लिखे। फिर शुद्धानंद ने स्वामी दयानंद से पूछा वेदों की उत्पत्ति कहाँ से हुई, ईश्वर से हुई तथा दोनों में क्या संबंध है। स्वामी जी ने कहा ईश्वर एक है तथा सच्चिदानंद युक्त लक्षण परमात्मा से वेदों की उत्पत्ति हुई तथा दोनों में कार्य कारण भाव संबंध है। मूर्ति पूजा के समर्थन में स्वामी विशुद्धानंद ने जैसे मन में ब्रह्मबुद्धि और सूर्य में ब्रह्मबुद्धि करके उपासना करें मनोब्रह्मेति उपासित इत्यादि, इससे प्रतीक उपासना कही है। ठीक ऐसे ही शालिग्राम पूजन का ग्रहण क्यों नहीं करना चाहिए, ये प्रश्न उपस्थापित किया। स्वामी जी ने कहा जैसे मनोब्रह्मेति उपासित इत्यादि कहा है वैसे पाषाणी प्राषाणादि ब्रह्मेति उपासित ऐसा कहीं नहीं कहा है, पुनः पाषाणादि का ग्रहण क्यों किया जाए। यद्यपि उक्त वचन मंत्र भाग का न होकर ब्राह्मण का है, ब्राह्मण ग्रंथ का वचन है, पुनरपि स्वामी जी ने उनको निरुत्तर कर दिया। पंडित माधवाचार्य जी ने उद्बुद्ध स्वाग्नेय प्रतिजाग्रहित अमिष्टापूर्ते संस्जेथा मयंच, इस मंत्र का जो पूर्त शब्द है पूर्त शब्द से मूर्ति पूजा को शुद्ध करने का वहां प्रयत्न किया। स्वामी ने कहा पूर्त शब्द वापी कूप तड़ाक उद्यान आदि का निर्माण का वाचक है न कि मूर्ति पूजा का द्योतक। इस प्रकार जब पंडितों के सारे राह व्यर्थ हो गए तब पंडित माधवाचार्य ने कुछ पुराण शब्द कहीं वेदों में है वा नहीं। तब स्वामी जी ने कहा अनेकत्र है किंतु भूतकालवाची विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है ब्राह्मणानि इतिहास पुराणानि, यहाँ भी पुराना सनातन ब्राह्मण इत्यादि अर्थ ही अभिप्रेत है न कि ब्रह्म विवर्त आदि पुराण। स्वामी जी ने वालशास्त्र से पूछा व्याकरण में कलम संज्ञा किसकी है, माने इस छोटी सी बात जो सामान्य व्याकरण का छात्र जानता है। वालशास्त्र को इसका उत्तर भी नहीं दिया गया उससे।
तब माधवाचार्य ने दो पन्ने निकाल करके पंडितों के बीच में फेंक दिया, जिस पर लिखा था यज्ञ समाप्ति पर दसम दिवस में पुराण पाठ सुने। पंडितों ने पूछा यह पुराण शब्द का क्या अर्थ है, तब स्वामी जी ने कहा पुराना विद्या, वेद विद्या, ब्रह्म विद्या का ग्रहण करना चाहिए, यही अभिप्राय है, अन्यथा यहाँ ब्रह्म वैवर्त आदि का नाम लिखा हुआ होता। इस पर स्वामी विशुद्धानंद विलंब हो रहा है, चलते हैं, ऐसा कहकर सब उठ गए। सभी पंडितों ने हल्ला मचा दिया और स्वामी दयानंद जी पराजित हो गए। इस तरह कहकर के हल्ला मचा करके स्वामी जी, जिनका पक्ष बहुत भारी था, जिनका पलड़ा विजयी था, उनको परास्त घोषित करके दयानंद पराभूति एवं दुर्जन मुखमर्दन इत्यादि पुस्तक लिख करके प्रसारित किया। स्वामी दयानंद पराजित हुए, ऐसा बालशास्त्र से हस्ताक्षरयुक्त विज्ञापनों से प्रचारित करके विजयी दयानंद को पराजित घोषित करने का प्रयास किया। उस समय जो प्रत्यक्षदर्शी लोग हैं, अनेक पत्र पत्रिका हैं, समाचार पत्रिका हैं, उन सब में स्वामी दयानंद विजयी हुए, उनका पक्ष भारी था, ऐसा अनेक समाचार पत्रों में ऐसा उल्लेखित है। इस शोध लेख में 80 पाद टिप्पणियां सबके प्रमाण है। मैं उनको समय भाव को देखते हुए उनको यहाँ प्रश्न नहीं कर रहा हूँ। काशी में स्वामी जी के अनेक बार आगमन हुआ। पांचवी बार स्वामी जी काशी पहुंचे तो काशी नरेश ने सम्मान में उन्हें राजप्रसाद में आमंत्रित कर सोने की कुर्सी पर बैठा कर स्वागत सत्कार किया तथा 1969 में शास्त्रार्थ में उनके साथ जो अपमान किया गया था उसके लिए उन्होंने क्षमा याचना की। इससे स्वामी जी का विजयी होना सिद्ध होता है। इसके बाद एक उनका प्रसिद्ध शास्त्रार्थ है हुगली शास्त्रार्थ। वेद प्रचार क्रम में स्वामी दयानंद सरस्वती हुगली पहुंचे और श्री वृंदावन चंद्र मंडली के बाग में ठहर कर वेदोपदेश कर रहे थे। भाटापाड़ा ग्राम निवासी पंडित ताराचरण सर्वरत्न जो काशी नरेश के सानिध्य में रहते थे उन्हीं दिनों गांव में गए हुए थे। अपने को बहुत पंडित समझते थे तथा पीठ पीछे स्वामी दयानंद का बहुत विरोध करते थे। पंडित ताराचरण स्वामी जी के भक्त श्रीयुत राजा ज्योतिन्द्र मोहन ठाकुर तथा शौरेन्द्र मोहित ठाकुर के पास जाकर 3 बार प्रतिज्ञा कराए थे कि मैं स्वामी जी से साक्षात करूंगा और उनको परास्त करूंगा, किंतु कभी साक्षात करने का साहस उनके सामने नहीं कर पाए। अप्रैल 8, 1873 को पंडित ताराचरण जी श्री वृंदावन चंद्र पाठशाला के अध्यक्ष भूदेव मुखर्जिया तथा श्री हरिहर तर्क सिद्धांत के साथ बहुत से लोगों को लेकर के विद्वत समक्ष निर्णय किया गया कि वेद, उपवेद, वेदांगों तथा 6 शास्त्रों को प्रामाण्य में ताराचरण जी मूर्ति पूजा को सिद्ध करेंगे तथा स्वामी दयानंद उनका खंडन करेंगे तथा जल की दंडा इत्यादि का आश्रय नहीं लिया जाएगा। इस निर्णय अनुसार ताराचरण जी ने मूर्ति पूजा के पक्ष में चित्तस्य आलम्बने स्थूल आभोगो वितर्क ऐसा गलत योग सूत्र प्रस्तुत किया, जबकि शुद्ध योग सूत्र है विषय वा प्रवृत्ति उत्पन्ना मनसा स्थिति निबंधनी। ये योग दर्शन 1:35 इसकी व्याख्या में महर्षि व्यास ने लिखा है नाशिकाग्रे धारायतः अर्थात नाशिकाग्रे में मन को स्थिर करते हुए इसको दिव्य गंध की अनुभूति होती है इत्यादि। शास्त्र की प्रतिज्ञा के अनुसार योग सूत्र को न उद्धृत करके स्वरूप साक्षात्पति प्रज्ञा आभोग इस वाचस्पति टीका के अंश को उद्धृत कर तर्कप्रभु जी ने आरंभ में ही प्रतिज्ञा हानि से अपना पराजय स्वयं ही सिद्ध कर दिया था। पुनः ताराचरण जी ने कहा यदुक्तं भवता तेनैव प्रतिमा पूजनमेव सिद्ध्यत्येव तस्य स्थूलत्वात्। इस वाक्य में अनावश्यक रूप से 3 बार एवं का प्रयोग करके जो अपने संस्कृत ज्ञान की अल्पता दिखाई उसे स्वामी जी ने कहा कि एक वाक्य में आप अनावश्यक रूप से एवं प्रयोग करके निरर्थक अपने पांडित्य को दिखा रहे हैं, जिससे आपका पांडित्य की क्या स्थिति अब लक्षित हो रहा है, ऐसा उन्होंने कहकर उनका उपहास किया। वैकुंठ में उपासना में वैकुंठ में स्वामी जी ने कहा आपके चतुर्भुज मिश्र तो वैकुंठ में है तो उपासना में उनका सामिप्य बैठना उपासना कैसे संभव होगी। और शिल्पित द्वारा निर्मित पाषाणादि मूर्ति है वह तो विष्णु नहीं है। ताराचरण जी को स्वामी जी के इस वक्तव्य का कोई उत्तर नहीं सुझा। पुनः ताराचरण जी ने अग्रलिखित ब्राह्मण ग्रंथों के वचन से अथ सहदा इंद्रिण आवाहयति पितृलोके न तेन संपन्नो महीयते इस वाक्य से लोकांतरस्थ उपास्य की उपासना के सिद्ध करना चाहा।
स्वामी जी ने कहा यह अणिमादि सिद्धि संपन्न किसी योगी का वर्णन है, वह जिस जिस लोक में जाने की इच्छा करता है उस समय वहाँ वहाँ पितृलोक आदि से प्राप्त होता है एवं आनंद करता है। इस भिन्न प्रकरण को स्थापित कर पंडित तारचरण अपनी प्रतिज्ञा के विरुद्ध आचरण से स्वयं पराजित हुए। से प्रतिमा पूजा को स्थापित करना चाहे किंतु कभी दृष्टांत भूषण तथा दूषण की बात का विषयांतर स्थापित करते तो कभी उपासना को ही भ्रममूलक करते रहे। स्वामी दयानंद ने कहा आपके कथनों से प्रतिमा पूजन खंडित हो गया। पुनः सभी पंडित चुप होकर ऊपर कमरे में चले गए। स्वामी दयानंद को पंडित ताराचरण सीढ़ी में मिल गए उतरते हुए। स्वामी जी ने उनका हाथ पकड़ लिया। वे स्वामी जी से कहने लगे मैं सत्य शास्त्र पढ़ाने का उपदेश भी करता हूँ परंतु यदि सत्य सत्य कहूँ तो मेरी आजीविका नष्ट हो जाए, काशीराज मुझको निकाल करके बाहर करें। ये उस समय पंडितों की स्थिति थी। मूर्ति पूजा पर हुए और अन्य साक्षात्। स्वामी दयानंद जी ने सर्वाधिक साक्षात मूर्ति पूजा विषय पर किए हैं। इनके मंतव्य में उस समय भारत में सर्वाधिक दुर्दशा मूर्ति पूजा के कारण हो रही थी। अपने ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में भी मूर्ति पूजा के 16 दोष गिनाए हैं तथा स्पष्ट किया कि इसके कारण लोग ईश्वर के सच्ची उपासना को त्याग कर तथा ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को भुलाकर अकर्मण्य भाग्यवादी पराश्रित एवं व्यसनी हो गए। इसलिए स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा पर सबसे अधिक चोट करते थे। वेद उपदेश के लिए जहाँ भी जाते इस विषय पर जोर शोर से उठाते तथा तीव्र खंडन कर लोगों को सचेत करते। दयानंद भाषा संग्रह तथा विशेष शंका समाधान नामक पुस्तक में कविराज रघुनंदन सिंह निर्मल द्वारा मूर्ति पूजा पर हुए 18 शास्त्रार्थों तथा 8 प्रश्नोत्तरों का संकलन प्रस्तुत किया गया है जो इस प्रकार है, पूरा विवरण है। लेकिन इन सभी शास्त्रार्थों एवं चर्चा में किसी भी पंडित ने वेदों में से या जो वेदपोषक ब्राह्मण ग्रंथ इत्यादि हैं इनके आधार पर मूर्ति पूजा को सिद्ध नहीं कर पाए। किसी के द्वारा भी इस संबंध में कोई सटीक प्रमाण नहीं दिया जा सका। इस पर सर्वव्यापक है, निराकार है। हम लोग जैसे कि पुरुष सूक्त में यजुर्वेद के 31 अध्याय में सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राख्य इत्यादि सुनते हैं, वहाँ पर भी परमात्मा की मूर्ति की चर्चा या साकारात्मक चर्चा नहीं है। परमात्मा का व्यापक स्वरूप ही वहाँ पर विवेचित है। जो परमात्मा प्राणी मात्र में विद्यमान है उन्हीं को शीर्ष उषाण भी वहाँ पर यही अर्थ करते हैं। उन्हीं प्राणी मात्र में विद्यमान जो व्यापक पुरुष परमात्मा है वही सबके सिर है, वही सबके पैर है, वही सबकी आंखें हैं। परमात्मा का साकार रूप यदि कहीं पर यदि वेद में प्रतिपादित भी किया गया है तो यश सूर्यश्चक्षुश्चंद्रमा च पुनर्नव दिशो दीपम यश्चक्रे मूर्धानं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। उस साकार को, इस निराकार को साकार कैसे प्रदान करेंगे? किंतु मनुष्यों को एक निराकार तत्व को, एक व्यापक तत्व को समझाने के लिए मनुष्यों की भाषा में ही तेसाम मनुष्यवत देवता विधानम भवति इत्यादि दृष्टि से उनको किसी ना किसी रूप में उस व्यापक तत्व को समझाने के लिए वेदों ने अनेक प्रकार से उनका वर्णन किया गया है। आप सभी लोगों ने टेढ़ी खीर की कहानी सुनी है। खीर टेढ़ी कैसी होगी कहानी सुनी आप लोगों ने? निश्चित सुनी होगी। माने किसी को समझाना जब मुश्किल होता है, हम कहते हैं इसको समझाना तो टेढ़ी खीर है। एक सेकंड में पूरा कर रहा। कोई प्रज्ञा चक्षु था, अपने मित्र के पास पहुंचा। मित्र की पत्नी ने बहुत सुंदर सुंदर व्यंजन खिलाए और अंत में बहुत स्वादिष्ट खीर खिलाई। तो जब लौटने लगा तो प्रज्ञा चक्षु ने पूछा भैया अंतिम में जो भाभी जी ने खिलाया था वो क्या चीज थी? उन्होंने कहा खीर कैसे बनती है, दूध चावल खीर बनाने की विधि बता दी। तो दूध कैसा होता है? धूप में चलते हुए जा रहे थे तो दूध सफेद होता है। तो कहा सफेद कैसा होता है? तो प्रज्ञा चक्षु था सफेद भी नहीं मालूम था। अरे धूप जैसे सफेद होता है। तो धूप कैसी होती है? तो उन्होंने कहा शंख देखा है, शंख जैसा सफेद होता है। कहा शंख कैसा होता है? तो रास्ते में जा रहे थे, खेत के मेड़ों में बगुले बैठे हुए थे, तो शंख जी बगुले जैसा सफेद था। बगुला कैसा होता है? तो उन्होंने अपना हाथ को टेढ़े करके दिखा दिया और अंधे के हाथ को लेकर के उसको फिरा दिया। अच्छा खीर जो है टेढ़ी हो गई। तो तब से खीर जो है टेढ़ी हो गई। तो इस प्रकार परमात्मा को जब तक हम लोग साक्षात दर्शन न कर पाए तो चाहे कितने ही शब्दों से समझाएं, सब लोग उसको जो भी कहेंगे उसके लिए टेढ़ी खीर जैसे ही कहानी हो जाएगी। मैं महर्षि महेश्वरी के साथ कुछ दिन था तो जब मेरा इंटरव्यू किया गया तो देखा उन्होंने मेरा बेटा आर्य समाज का, आप आर्य समाज का यहाँ कैसे काम करोगे, यहाँ तो प्रतिदिन शिवलिंग की पूजा होती है।
मैं काफी निका गाली निका थप्पड़ उधर कहना चाहिए। मैंने आचार्य शंकर का श्लोक है इस क्या तमह ब्रह्मशत भावो ध्यान भावस्तुमध्यम स्तुति जपो अधमो भावो बाह्य पूजा अधमा कि सर्वत्र परमात्मा का दर्शन हो ईशावाश्रमिदम सर्वम इंदु उपासना की सर्वोच्च स्थिति है। ये ब्राह्मण स्थिति नहीं तो ध्यान अभाव जो हमारे योग दर्शन में ये द्वितीय भाव है। तृतीय भाव जो ध्यान भी नहीं कर पा रहे हो स्तुति जपो तृतीय अधम का तृतीय श्रेणी और जो जप भी नहीं कर पा रहे तो फिर बाह्य पूजा फिर उसके बाद उन्होंने पूछने ठीक है ठीक है आप जैसा करना करो यहाँ रहो हमारे यहाँ। तो मूर्ति पूजा संबंधी चाहे हुगली का हो चाहे कलकत्ता का हो सभी जगह ये एक ही बात है। इसी तरह के प्रश्नोत्तर हुए एक चमत्कार विषय शास्त्रार्थ है किसी एक को मुल्ला जी ने मौलवी जी ने किया उसमें कोई भी उनका प्रश्न इस तरह के तर्क नहीं है जिसका कि उत्तर दिया जा सके। उन्होंने इस संदर्भ में पुनर्जन्म के विषय में भी शास्त्रार्थ किया और पुनर्जन्म के विषय में जो पक्ष उन्हें स्थापित किया है उस पुनर्जन्म के जो प्रश्न हैं जो उनके शंकाएं हैं वो भी नगण्य बनाए हैं। तो स्वामी दयानंद ने पुनर्जन्म के पक्ष में मौलवी अहमद हसन के विपक्ष में अपने तर्क प्रस्तुत किए। उसने जो तर्क दिए थे मौलवी अहमद हसन ने पुनर्जन्म का विरोध में जो प्रश्न उठाए थे वो अस्पष्ट एवं तर्क संगत है। यथा मौलवी के द्वारा प्रथम तर्क दिया गया कि वर्तमान आकार के बिना सत्ता का होना संभव नहीं। जब आकार की सत्ता विनाशी है तो अवश्य प्रकृति भी नाशवान होनी चाहिए क्योंकि प्रकृति को सत्ता आकार के द्वारा प्राप्त हुई। द्रव्य की अपेक्षा द्रव्य का कारण प्रधान होता है तो पुनर्जन्म मानने वालों के लिए जगत का विनाशी मानना आवश्यक हो जाता है परंतु उन्होंने ऐसा माना था तो वह सनातन है। इस प्रश्न क्या कर रहा है मौलवी प्रश्न भी वहां समझ में नहीं आता। उसके उत्तर में स्वामी जी ने लिखा आकृति दो प्रकार की होती है एक ज्ञान से ग्रहण होती है एक चक्षु आदि इंद्रियों से। कारण में ही आकृति की स्थिति है परंतु सूक्ष्मतया इंद्रिय ग्राह्य नहीं होती। जब वह स्वयं ही दिखाई नहीं देती तो उसका आकार कैसे दिखाई देगा क्योंकि कारण के गुण ही कार्य में आते हैं। जो वस्तु सनातन है उसी की आकृति भी कारण अवस्था में सनातन है। आकृति बिना द्रव्य के पृथक नहीं रह सकती वह आकृति उसी द्रव्य की है इससे सिद्ध है कि कारण सनातन है। इस शास्त्रार्थ में मौलवी जी ने अपने तर्क द्वारा प्रकृति एवं जीव के अनादित्व को खंडित करने का प्रयास किया। जैसे जिन वस्तुओं का इंद्रियों से ग्रहण न हो उसका ज्ञान कैसे होगा। मौलवी जी के अनुसार केवल इंद्रग्राह्य वस्तु की सत्ता ही स्वीकारने पर अनेक समस्याएं उत्पन्न होंगी क्योंकि इंद्रियातीत आत्मा आदि का अस्तित्व विद्यमान है। परमेश्वर जीव एवं जगत तीनों अनादि है यह बात इसकी सिद्धि करना असंभव हो जाएगा। पुनर्जन्म के विरोध में मौलवी जी ने दूसरा प्रश्न उठाया था कि कर्म चेष्टा द्वारा होते हैं और चेष्टा काल पर निर्भर है और काल का आदि मध्य और अंत इकट्ठा नहीं हो सकता। इसके अतिरिक्त कर्म जो किसी समय में किए गए हैं कोई भी नष्ट हो गए तो तज्जन्य पुनर्जन्म एवं कर्मफल कैसे प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त पुनर्जन्म मानने से बहुत हानियां होंगी जैसे कोई मनुष्य योनि में था गधे कुत्ते के योनि में आ गया तो मनुष्य शरीर की विशेषताएं थी वह प्राप्त नहीं होंगे इत्यादि सब निर्मूल उसके उनके प्रश्न थे। पुनर्जन्म के विषय में हम लोग जो वैदिक प्रमाण है पुनर्मन पुनरात्मा आगन इत्यादि सतिमूल्य तद्विपाको जात्यायुर्भोगः इत्यादि स्वामी जी ने इन सबका युक्तियुक्त उत्तर दिया है। पुनर्जन्म के विषय में अभिभोजन के समय चर्चा हो रही थी। हम सब लोग तो यहाँ जितने बैठे हैं सभी पुनर्जन्म को मानते हैं। जो नहीं मानते हैं एक बार हरिद्वार आए मेरे पास एक बालक है पिछले दिनों वहाँ पर अपने परोपकार सभा में था योगेंद्र करके उसको जब वो बोलने लगा था तब उसने बोलने लगा मेरे को वहाँ परिवार है मेरे तीन बेटे हैं मेरे इतना है ये है वो है। बच्चा सब लोगों ने समझा उल्ट पटांग बोल रहा धीरे धीरे ठीक हो जाएगा लेकिन एक बार जब वो किसी कारण से पास में 1.5 किलोमीटर पर स्थित उसके गांव पे गया सीधा दौड़ के अपने घर पहुंच गया जो पुराने और वहां पर उसकी बहू बैठी हुई थी घूंघट बिना घूंघट जाते धमकाया उसने 3 साल अरे तेरा ससुर है यहाँ खड़ा बिना घूंघट के कैसे यहाँ पर बैठी तो बिचारी परेशान तो मेरा ससुर कहाँ से हो गया। जो भी प्रश्न किया गया अच्छा और बट बहू के नाम बताया सब बहू के नाम बता दिया उसने अच्छा चाचा ताओ के भाइयों के बहू के सबके बता दिया उसने। तो इतना होने पर उसके असली प्रश्न पूछा गया सब लोग इकट्ठे हो गए परिवार के अच्छा पिछले जन्म में आपने 3-4 लोगों से उधार दिए थे सब लोगों के पैसे आपने उतार दिए थे उधार लौटा दिए थे एक का नहीं दे पाए थे बताइए कितने रुपए थे। उसने वो अमाउंट भी बता दिया 5,000 6,000 जो भी था।
तब एक दिन में पुलिस वाला भी आ गया, तो बताओ पिछले बार तुम्हारी मेरी लड़ाई किस कारण हो गई। उसने कहा तुमने मुझे बिना कारण एक थप्पड़ मार दिया था जबकि मैं दोषी नहीं थी और मुझे जेल में डाल दिया था, इसलिए लड़ाई हो गई थी। तो पुलिस वाला भी उसके पैर में। अब यह स्थिति है कि वो बच्चा इस परिवार को भी देखता है जिस परिवार में जन्म है, पिछले परिवार की भी शादी ब्याह का सारा सारी व्यवस्था देखता है। अब परमात्मा कितना दयालु है देखिए, यदि हमें इस जन्म के लड़ाई झगड़े ही नहीं सुलझते हमारे, पिछले जन्म के भी लड़ाई झगड़े याद रहते तो संभालना कितना मुसीबत है। तो पुनर्जन्म तो निर्विवाद सिद्ध है, अनेक प्रमाण शास्त्र में है, अपने शास्त्र में है। इसके बाद एक बरेली शास्त्र है, मैं भूमिका को छोड़ रहा हूँ। उसमें जो मुख्य प्रश्न उठाए गए बरेली शास्त्र में, जीव और जीव के स्वाभाविक गुण कर्म और स्वभाव अनादि है। दूसरा था जो जीव के पाप और पुण्य आदि कर्म प्रवाह से अनादि चले आते हैं तो उनका ठीक ठीक फल देना ईश्वर का न्याय आदि गुण भी अनादि है। ये स्वामी जी ने अपना पक्ष स्थापित किया है। जीवों के बिना स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर के सुख दुख का भोग करना असंभव है, अतः जीव का बारंबार शरीर धारण करना पुनर्जन्म होना ही आवश्यक। सृष्टि क्रम और प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से जैसे रात दिन दिन आदि का पुनः पुनः आना सिद्ध है, वैसे ही जीव का आवागमन भी सिद्ध है। ये पुनर्जन्म विषय शास्त्र है, इसमें 5 प्रश्न स्वामी जी ने दिए थे और ये शास्त्र जो है जी बरेली का शास्त्र है और जी एक पादरिस कार्ड है उनके साथ ही शास्त्र हुआ। इसमें जो टीज इस कार्ड जो पुनर्जन्म की मान्यता प्राचीन है, जो शिक्षित जाति हैं वो इस बात को नहीं मानती, इत्यादि अनेक तक स्थापित किया उन्होंने। स्वामी जी ने पहले क्रमशः उत्थापित प्रश्न को उत्तर दिया। जीव ईश्वर और प्रकृति तीनों अनादि पदार्थ हैं, जीव पुनर्जन्म से कभी निवृत्त नहीं होंगे। जन्म का होना दंड और पुरस्कार होने के लिए है, ईश्वर सदा ही सगुण और निर्गुण है, क्योंकि जीव जैसा पुण्य पाप करता है उसे वैसा ही अपने अटल न्याय के फल प्रदान करता है। सभी प्रश्नों के उत्तर देने के बाद प्रति प्रश्न उपस्थापित करते हुए पुरानी बातों को सुधरी हुई जातियां छोड़ जाती हैं, तो क्या सभी नई शिक्षाएं सर्वांश में सत्य हैं और पुरानी मानने योग्य नहीं है? तो बाइबिल आदि ग्रंथों की शिक्षाएं भी तो पुरानी है, कोई आपको छोड़नी होगी। जहां तक युक्तियों की बात है, कोई पूर्व कह दी गई है। जब इस तर्क सिद्धांत को न माना जाए तो सृष्टि में बुद्धिमान निर्बुद्धि दरिद्र राजा और कंगाल अवस्था ये जो अवस्था इस पर किस प्रकार कर सकते, क्योंकि इसमें तरफदारी आती है और पक्षपात से उनका न्यायकारी स्वरूप नष्ट हो जाता है, इस पर अन्यायकारी कदाचित नहीं हो सकते। और हम जानते हैं एक सांख्य का प्रसिद्ध सूत्र है कर्म वैचित्र सृष्टि वैचित्र्य। ये सृष्टि में जो विविधता है, विविध प्राणियों के जो विविध प्रकार के कर्म है, इसलिए कोई धनी है, कोई निर्धन है, कोई बुद्धिमान है, कोई निर्बुद्धिमान है, कोई सबल है, कोई दुर्बल है, इस प्रकार के ये कर्मफल का सिद्धांत पुनर्जन्म के सिद्धांत शास्त्र में विचारित हुआ है। और स्वामी जी ने अपने पक्ष को सब प्रमाण स्थापित किया है और जो टीजी स्कॉट साहब हैं उनको बाद में स्वामी जी की बातों को मानना पड़ा। उदयपुर का शास्त्र भी है, उसने भी वो शास्त्र किसी मौलवी के साहब के साथ हुआ है और उस शास्त्र में मौलवी साहब का प्रथम प्रश्न था कि ऐसा कौन सा मत है जिसका मूल पुस्तक सब मनुष्य को बोलचाल और समस्त प्राकृतिक बातों को सिद्ध करने में पूर्ण समर्थ है, ऐसी दशा में सब मतों में से कौन सा मत सत्य समझना चाहिए? स्वामी जी ने कहा कि मतों की सभी पुस्तकों में से एक भी विश्वास के योग्य नहीं है, वे सब पक्षपात से पूर्ण है। जो विद्या की पुस्तक पक्षपात से रहित है वह मेरे विचार से सत्य सत्य है और वह वेद ही है। उन्होंने वेद की व्यापकता को सिद्ध करते हुए कहा जैसे आकाश किसी देश विशेष का नहीं है, वह सर्वत्र व्यापक है, वैसे ही वेद की भाषा भी किसी देश विशेष से संबंध न रखने से व्यापक है। मौलवी साहब का दूसरा प्रश्न था समस्त संसार के मनुष्य एक जाति के हैं अथवा अनेक जातियों के, स्वामी जी का उत्तर था अनेक जातियों के। तीसरा प्रश्न था मनुष्य की उत्पत्ति कब से है और अंत कब होगा, स्वामी जी ने ज्योतिष के शास्त्र के प्रमाण के आधार पर बताया 1,96,00,000 और 95,08,53,000 इत्यादि जो सृष्टि गणना का काल है उस पर बताया उन्होंने। और मौलवी साहब का चौथा प्रश्न था आप किस धर्म को मानते हैं, किसी धर्म को मानते हैं नहीं मानते,
स्वामी जी ने उत्तर दिया, जो धर्म विद्या से सिद्ध होता है उसे मैं मानता हूँ। मौलवी साहब ने पांचवा प्रश्न किया था, समस्त धर्म वाले अपने धार्मिक पुस्तक को उत्तम मानते हैं और सभी उनको मानने में जैसे आप बौद्धिक युक्तियां देते हैं वैसे ही वे भी देते हैं, कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है, फिर वेदों में क्या विशेषता है? मौलवी साहब का इस प्रश्न का उत्तर स्वामी जी ने कहा कि वेद ही परमात्मा ने सृष्टि के आदि में दिया था और वेद परमात्मा के हैं। इसके कुछ कोशिश हैं, परमात्मा जैसे पूर्ण है उसी प्रकार इस परमात्मा द्वारा प्रदत्त ईश्वरीय ज्ञान भी परिपूर्ण है, इस पर ज्ञान में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है। वेद ईश्वरीय ज्ञान है, इसके प्रमाण सबसे बड़ी बात है कि वेद किसी देश विशेष की भाषा में नहीं है, वेद में किसी प्रकार का इतिहास किसी प्रकार का भूगोल का वर्णन नहीं है, अतः वेद शाश्वत है, सार्वभौम है, प्राणी मात्र के लिए है। स्वामी ने जो उत्तर दिया है उन सब के सारांश को इस रूप में कहा जा सकता है। एक अजमेर का शास्त्रार्थ है, नवंबर 7, 1878 में स्वामी दयानंद सरस्वती जी अजमेर पधारे, नवंबर 14 से 18, 1878 तक लड़का के चौक में ईश्वर ज्ञान आदि पर व्याख्यान देते रहे। अंतिम दिन व्याख्यान के अंत में तौरेत, इंजिल तथा कुरान, मस्जिद आदि अशुद्धियों के बारे में बड़ी सूची पढ़कर सुनाई गई। इन पुस्तकों में ऐसी अशुद्ध बातें लिखी हुई हैं, अतः ये स्पर्पित नहीं हो सकती। उस दिन सैकड़ों हिंदू, ईसाई तथा मुसलमान उपस्थित थे। मुसलमानों ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की, किंतु पादरी ग्रे साहब तथा डॉक्टर हस्बैंड ने स्वामी जी के लिखित प्रश्नों के उत्तर देने के प्रस्तुत हुए। नवंबर 1878 को स्वामी जी ने तौरेत और इंजिल के 64 वाक्य लिखकर पंडित भागराम साहब, एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर अजमेर द्वारा पादरी साहब के पास भेज दिए। 10 दिन पादरी साहब को विचारने के पश्चात नवंबर 28, 1878 को साक्षात का दिन नियत हुआ। साक्षात सुनाने के लिए बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए। इसमें जो कुछ प्रश्न थे, पहला प्रश्न उसमें था कि और इन सभी प्रश्न, एक कलकत्ता का साक्षात बहुत प्रसिद्ध है। कलकत्ता के साक्षात में उस समय के जो भी बड़े बड़े पंडित थे, कलकत्ता यूनिवर्सिटी के सभागार में सब लोग इकट्ठे हुए हैं, और लेकिन सब इकट्ठे हो करके भी स्वामी जी को साक्षात करने का चैलेंज वो लोग देने का साहस नहीं कर पाए। कुछ जो वहाँ पर उन लोगों ने प्रश्न लिखे और उन प्रश्नों को स्वामी जी के पास भेजा गया। स्वामी जी उस समय वेद भाष्य करने में संलग्न थे। उन्होंने कहा मेरे पास टाइम नहीं इन सब प्रश्नों को उत्तर देने का, मेरे जो शिष्य गण आर्य समाज कलकत्ता के वो लोग इसका उत्तर दे देंगे, और आर्य समाज कलकत्ता से उनका उत्तर लिख करके स्वामी से परामर्श करके उनका उत्तर भेज दिया गया। उससे हमने बुलाने का साहस नहीं किया, तो ये बड़ा प्रसिद्ध बुलाने का साहस नहीं कर पाया। साक्षात रूप में इतना हम लोग कह सकते हैं, सारांश रूप में जो अधिकांश साक्षात है मूर्ति पूजा के संबंध में, वेद के प्रामाण्य प्रामाण्य के विषय में है, माने वेद इस पर रचित है या अन्य ग्रंथ ब्राह्मण आदि ग्रंथ इस पर रचित है नहीं, इस विषय पर साक्षात है। पुनर्जन्म, श्राद्ध, तीर्थ आदि के विषय में है, अन्य संप्रदायों के जो दुर्गुण है उस पर साक्षात है, और मनुस्मृति इत्यादि के विषय में स्वामी जी के शास्त्रात है। स्वामी जी का एक ही तर्क है कि वेदों की ओर लौटो, वेद ही परमात्मा द्वारा रचित ग्रंथ है और वेद द्वारा प्रतिपादित जो सिद्धांत है वही शाश्वत सार्वभौम सिद्धांत है, उन्हीं पर चलने से विश्व का कल्याण हो सकता है, अतः वेद का ही अनुगमन करना सबके लिए उचित है। और वेद शास्त्र में, वेद वैदिक साहित्य में, वैदिक वाङ्मय में जो भी बातें प्रतिपादित हैं वो क्योंकि परमात्मा के द्वारा रचित हैं, इसलिए उसमें किसी प्रकार की त्रुटि, किसी प्रकार की कमी, किसी प्रकार का पक्षपात आदि उसमें नहीं है। जैसे आकाश, वायु, अग्नि, जल इत्यादि मानव मात्र के लिए कल्याणकारक है, ऐसे ही वेद का प्रत्येक वचन प्राणी मात्र के लिए कल्याणकारक है। यह स्वामी जी का सिद्धांत है और इसी बात को अपने शास्त्र के माध्यम से, अपने ग्रंथों के माध्यम से, अपने उपदेशों के माध्यम से स्वामी जी आजीवन प्रचारित प्रसारित करता रहे, करते रहे। आज भी क्योंकि वेद शाश्वत वाणी है, आज भी इस विषम परिस्थिति में जब तक हम वैदिक मतों को पूरे विश्व में प्रचारित प्रसारित नहीं कर पाएंगे तब तक विश्व में शांति, सुख, समृद्धि की स्थापना हम लोग नहीं कर सकते। आज इस मंच के माध्यम से हम लोग वेद के
सिद्धानंद जी के जो सिद्धांत हैं उन पर बड़ी सुखता से हम लोगों ने चर्चा की। आज आवश्यकता है घर घर तक जन जन तक वेद की वाणी पहुंचाने के लिए। मैं समझता हूँ इस गोष्ठी के माध्यम से इस कार्य को और तीव्रता से और निष्ठा से हम लोग पहुंचा पाए। परमात्मा हम सबको शक्ति प्रदान करे। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर सोमदेव शतांशु जी, आपने अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर बहुत सी उपयोगी जानकारी एकत्रित की और हमारे समक्ष प्रस्तुत किया। पूरी सामग्री प्रस्तुत नहीं की जा सकी समय अभाव से, तो वो ग्रंथ में प्रकाशित होने पर आप लोग उसे देख सकेंगे। अब हमारे शैक्षणिक सत्र यहाँ संपन्न होते हैं, समापन सत्र प्रारंभ होगा। उसके लिए मैं निवेदन करती हूँ आदरणीय मुख्य अतिथि डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी से, कृपया मंच पर पधारें। श्रीमती प्रियंका चंद्रा जी संस्कृति मंत्रालय में निदेशक, वो हमारी विशिष्ट अतिथि हैं, वे भी मंच पर पधारें। प्रेमचंद जी इस कार्य का संचालन। कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कन्या गुरुकुल की छात्राओं से, कृपया वो मंच पे आए और मंगलाचरण से इसका शुभारंभ करें प्लीज। अरिष्टनेमि सस्य अरिष्टनेमि नित्यरिष्टनेमि सस्य नो
धन्यवाद। ऑनरेबल चीफ गेस्ट डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड चांसलर गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार, प्रोफेसर शशि प्रभा कुमार जी, चेयरपर्सन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी, प्रोफेसर सुरेंद्र राज मेहता, वाइस चेयरमैन गवर्निंग बॉडी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी शिमला एंड प्रेसिडेंट माइका, श्रीमती प्रियंका चंद्रा जी, डायरेक्टर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड गेस्ट ऑफ ऑनर ऑफ टुडेज प्रोग्राम, श्री मेहचंद नेगी जी, सेक्रेटरी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी, फेलोज, डिस्टिंग्विश पार्टिसिपेंट्स एंड स्टाफ ऑफ द इंस्टीट्यूट, आई ऑन बिहाफ ऑफ द इंस्टीट्यूट एक्सटेंड वेरी वार्म वेलकम टू द वैलिडिटी सेशन ऑफ 3 days इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन दयानंद सरस्वती एंड हिज लेगेसी। बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, we would like to honor and felicitate our chief guests and other dignitaries. May I request our Vice President of Governing Body, Professor Shailendra Raj Mehta ji, to kindly welcome our chief guest and felicitate him by presenting a shawl and Himachali cap. Professor Mehta ji. धन्यवाद। आई वुड ऑल्सो लाइक टू रिक्वेस्ट प्रोफेसर शशि प्रभा मैडम जी, प्लीज काइंडली ऑनर प्रियंका चंद्रा जी, डायरेक्टर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। आई वुड लाइक टू प्लेस ऑन आवर रिकॉर्ड आवर सिंसियर ग्रेटिट्यूड टू मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर फॉर स्पॉन्सरिंग द इवेंट। दे हैव टेकन केयर ऑफ द ट्रेवल ग्रांट ऑफ फॉरेन पार्टिसिपेंट्स। थैंक यू वेरी मच। We have delegates from abroad. I would particularly thank all the foreign delegates who came all the way, traveled long distances, and to be part of this wonderful event. I would like to request Honorable Chairperson to kindly honor Pandita Indrani Ramprasad Ji, Vedic scholar from Trinidad. May I request Madam Pandita Indrani Ji, please come on the dais. Scarf also, institutes. Thank you very much. I would like to call upon Dr. Acharya Surya Narayan Nanda ji from Princeton. I request Shri Mehchan Negi ji, Secretary, Indian Institute of Advanced Study, to kindly honor Dr. Acharya ji. Acharya Surya Narayan ji. Thank you very much, sir. Now I would like to call upon Dr. Satish Prakashi from New York.
कृपया स्टेज पे आइए. आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट प्रोफेसर शैलेंद्र राज मेहता जी टू काइंडली ऑनर हिम बाय प्रेजेंटिंग हिमाचली ट्रेडिशनल कैप. Thank you so much, sir. I now request Professor Shailendra Raj Mehta ji, Vice Chairman Governing Body IIS and President Mudra Institute of Communication Ahmedabad, to kindly deliver welcome address. Maniya Dr. Satyapal Singh ji, Professor Shashi Prabha Kumar ji, Rika Chandra ji, upasthit vidvajan mitro. Main jab yahan manch pe baith kar soch raha tha ki pichle 3 dinon se kya kuch guzra, तो एकदम से एक अनुभूति हुई और वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं. वो अनुभूति है 450 के ईस्वी के आसपास की. एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, सफेद हूणों ने तक्षशिला को नष्ट कर दिया. और यदि माइकल विट्सल की हम वैदिक शाखाओं पे जो काम है उसमें देखें तो उसमें यह पता चलता है कि लगभग ज्यादातर जो वेद शाखाएं थी वो सब उत्तर पश्चिम निकली गई थी. सिंधु सरस्वती जो सभ्यता थी उसका जो केंद्र जो तक्षशिला के आसपास था वो वहां था. तो जब तक्षशिला नष्ट हुई और वो पूरा क्षेत्र नष्ट हुआ और आज भी आप वहां जाए तो विनाश के आपको अवशेष मिलेंगे, तक्षशिला के अवशेष भी मिलते. मैं गया वहां, मैं काफी सरहद पार काम करता हूँ तो मैंने उनसे अनुरोध किया कि मुझे आप तक्षशिला ले जाइए. ले गए एक दिन, प्यार से ले गए एक दिन, उन्होंने बताया वहां और देखा. बहुत ही अद्भुत जगह, बहुत रमणीय. जैसे शिमला है वैसे पहाड़ियां हैं, ऊपर नीचे जाती हुई नदियां हैं जो बहती हैं, वहां आपको संतरे के बाग मिलेंगे. बहुत खूबसूरत जगह है. लेकिन दिन भर बिताने के बाद उन्होंने बोला कि 6 बजे के बाद आप वहां रहिए, यहाँ अराजकता है और वो आज भी अराजकता है. तो 1500 साल में स्थिति बदली नहीं है. लेकिन जब वो नष्ट हुई तो जो वेदों में एक समग्रता थी वो समग्रता नष्ट हुई और जो चारों जो संहिताएं हैं उसके साथ चारों जो अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं, लगभग 30 से ऊपर राज विद्यमान हैं, दर्जन से ऊपर आरण्यक ग्रंथ हैं जो सब उनसे जुड़े हुए हैं और 11 प्रमुख उपनिषद, 200 से ऊपर पूरी संख्या है उनकी. उनमें एक समग्रता थी, वो समग्रता नष्ट हो गई. उसका कारण ये था कि उस समय जो सारी जो वैसे तो विद्याएं थी, लेखनी थी, ये सब कुछ था, लेकिन मौखिक परंपरा थी, कंठस्थ की परंपरा थी. सारा हमारा ये विचार था और आज भी वो सही है कि जो कंठस्थ की हुई जो पंक्तियां हैं उनका प्रभाव कुछ अलग ही होता है. यदि आपको ज्ञान का प्रवाह करना है तो एक बात है, लेकिन यदि आपको व्यक्ति को बदलना है तो उसके लिए कंठस्थ करना बहुत आवश्यक है. तो इसीलिए वो कंठस्थ थी. लेकिन जो इतनी बड़ी जो वैदिक परंपरा है वो कोई एक व्यक्ति कंठस्थ नहीं कर सकता. इसलिए एक व्यवस्था थी कि सारे लोग एक साथ आके वहां रहते थे और उस समूह में एक समझता थी. तो जब तक्षशिला नष्ट हुई तो वहां से जाहिर है कि जो विद्वान लोग थे ज्यादातर ब्राह्मण ही थे. विद्वान लोग जब आए हुए नीचे की तरफ आए
पहला पड़ाव उनका कई लोगों का मन भी था, तो आप जानते हैं कई लोगों को पता नहीं है जो वेद विद्वान वैदिक विद्वान है उनको भी नहीं पता कि स्कंद स्वामी जो पहली पहला भाष्य है किसी भी वेद का उस स्कंद स्वामी का है वो बलभी में लिखा गया। तब सुन सकते हैं तक्षला से गुजरात आए बलभी, फिर वहां से कुछ लोग महाराष्ट्र की तरफ गए सारस्वत ब्राह्मण, वहां से फिर और नीचे गए नमूद्री वो सब थे। तो इस तरह से ये परंपरा जो समग्रता थी उसमें वो अलग अलग हिस्सों में बंट गई, तो कोई वेद कहीं गए, कोई ब्राह्मण कहीं गए, कोई आरण्यक कहीं गए, कोई उपनिषद कहीं गए, वो सब समग्रता कहीं। मैं क्यों उसका उल्लेख कर रहा हूं, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है जानना कि जब 1860 में दयानंद सरस्वती अपने गुरु के पास गए विरजानंद सरस्वती, तो उनके पास सिर्फ एक वेद अथर्वणार्थ, और उसी को लेके उन्होंने दयानंद सरस्वती को शिक्षित और दीक्षित किया। लेकिन वेदों में जो समग्रता है जिसे बोलते हैं समुद्र का पानी सब जगह एक जैसा होता है, तो अथर्ववेद उनके लिए पर्याप्त था। और उसके बाद में वैसे तो 1849 में मैक्स म्यूलर ने ऋग्वेद को प्रकाशित कर दिया था और उसका जर्मन भाग उसका जर्मन अनुवाद भी किया था, लेकिन भारत में क्यों, चूंकि वो जर्मन में था तो भारत में उसका इतना प्रभाव नहीं हुआ। उसका मूल ग्रंथ तो आ गया लेकिन जो अनुवाद है वो फिर बाद में ग्रसित और उस तरह से हुआ, उसका ज्यादा प्रभाव पड़ा फिर। लेकिन 1860 और 1875 के बीच में सिर्फ 15 साल की अवधि दयानंद सरस्वती ने लगभग वो जो समग्रता टूट चुकी थी लगभग, और उस पर इस पे मैं वापस आने जा रहा हूं, वो लगभग समग्रता उन्होंने 15 साल में, जो कि मेरे को यहाँ बैठे बैठे अभी एकदम से ध्यान आया कि ये तो बिल्कुल अद्भुत घटना है, कोई एक व्यक्ति एक ग्रंथ को लेके अथर्व वेद को लेके 15 साल के अंदर लगभग वो समग्रता इतनी व्यापक रूप में स्थापित कर दे कि सत्यार्थ प्रकाश प्रकाशित कर दे, तो ये तो एक अमानवीय घटना है, ये तो कोई दैविक घटना है कि एक व्यक्ति पे इतना कोई ईश्वर का आशीर्वाद हो कि वो सब ये समग्रता तैयार कर सके। तो ये चाबी जो स्वामी विरजानंद सरस्वती ने दी, और उन्होंने तीन गुण दिए कि आर्ष और अनार्ष ग्रंथों में कैसे भेद किया जाए, उन्होंने कहा कि तीन लक्षण है। आर्ष ग्रंथ ओम या अत से चालू होते हैं, उसपे किसी महत्वपूर्ण भाष्यकार का भाष्य होता है या टीका होती है, और तीसरा उसमें कोई संकीर्णता नहीं होगी, किसी भी समुदाय लिंग जाति प्रजाति किसी के खिलाफ कोई संकीर्णता नहीं होगी, सबके पास सबके प्रति एक समग्र भाव जो कि एक ईश्वर का होता है, ईश्वरीय भाव उसमें होता है। तो उसके मुद्दे पे स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक क्रांति एक तरह से भारत में कर दी कि उन्होंने बता दिया कि भाई सोना कहाँ है और मिलावट कहाँ है, मिलावट को जलाओ सोने को शुद्ध करो, तो ये प्रक्रिया उन्होंने चालू की। और कौन से इन चाबियों को लेके उन्होंने कौन से ताले, पहले तो जैसे प्रोफेसर डॉक्टर सतीश आर्य ने कहा वो अंधकार का धुंध अंधकार का अंधविश्वास का कोहरा उन्होंने हटाया, जब कोहरा हटाया तो उनको कुछ ताले मिले, पॉलीगमी बहुविवाह बाल विवाह विद्या अविवाह पशुबलि सती अस्पृश्यता ये सब ताले इन्होंने इस चाबी से खोले। और फिर जो दरवाजा खुला उसमें उन्होंने तीन चीजें प्रतिस्थापित की, तीन द्वार खोले स्वराज के जनतंत्र के और समता के, ये भी एक पक्ष है जो भी आगे उजागर करना है। और एक यदि हम बृहत्तम दृष्टि दें विश्व इतिहास में यदि वेदों की स्थापना करें तो इतने प्राचीन सिर्फ दो ही तरह के ग्रंथ हैं, या वेद तो उससे भी प्राचीन हो सकते हैं ये हम अभी नहीं कह सकते, लेकिन यदि इसके तुल्य कोई प्राचीन ग्रंथ है तो दो किस्म के हैं। एक तो आपको मेसोपोटामिया में मिलेंगे जो आज इराक कहलाती है, या आपको मिस्र में मिलेंगे,
इन ग्रंथों की विशेषता यह है कि आज इन्हें कोई नहीं पढ़ेगा, क्योंकि इसमें पढ़ने लायक कुछ खास बचा ही नहीं है हिंदू ग्रंथों में। वो है पिरामिड में जो मिलते हैं, जैसे इजिप्शियन बुक ऑफ द डेड है, ऐसे कई दर्जन आपको ग्रंथ मिलेंगे। वो एक छोटे समुदाय के लिए विशिष्ट है और उसका या विशिष्ट भी नहीं है, वो पढ़ते हैं उसको। और आज उनकी कोई गणना या कोई उनका उनका कोई खास महत्व नहीं है। और इसी तरह से एपिक ऑफ गिलगमेश वो कभी कहीं कहीं पढ़ाया जाता है, लेकिन उस काल का यदि कोई ग्रंथ या उस काल के कोई ग्रंथ यदि बाकी है या वो, तो वो सिर्फ वेद है। तो ये जो भावना जो स्वामी दयानंद सरस्वती ने विश्व के प्रति रखी, उसने एक नई दृष्टि दी, क्योंकि यूरोपियन विद्वान जो है वो समग्रता इसमें देख नहीं पा रहे थे, तो ये समग्रता बनी है। और मैं अब वापस इस पे आता हूं कि एक जो चीज जिसका विरोध किया उन्होंने जाति प्रथा, बाकी सब तो लगभग समाप्त हो चुकी है, बाल विवाह, पॉलीगमी, बहु विवाह वगैरह वगैरह जो मैंने बताया, विधवाओं का भी बहुत आसानी से या सबका विवाह होता है, पशु बलि, सती, सब अस्पृश्यता खत्म हो गई है, लेकिन जाति प्रथा अभी हमारे बीच में, और यदि उसका निवारण होगा और होगा तो उसमें कोई शक नहीं कि आर्य समाज का और स्वामी दयानंद के विचार का एक प्रमुख किरदार था। और इस तीन दिन की गोष्ठी में मुझे पता चला सिंह साहब और सारे विद्वत जन, मुझे ये नहीं पता था कि आर्य समाज के लगभग 6000 पुरोहित थे कुछ हमारे बीच में, उसमें से लगभग आपने मुझे बताया कि लगभग 5500 अब्राह्मण अब्राह्मण जातियों से आए। जातियों का कोई वेद में कोई महत्व नहीं है, लेकिन आज जाति एक बोध है लोगों के लिए, तो ये कितनी बड़ी बात है कि 90 से ऊपर प्रतिशत जो पुरोहित है वो एक तरह से कर्म से ब्राह्मण है, जन्म से नहीं है ना। ये बात किसी को पता क्यों नहीं, क्योंकि आज जो एक समुदाय है जो, और उसके कारण हमें समझ में आते हैं, सही कारण है कई मामलों में, लेकिन कई गलत कारण भी है, वो अपने आप को थोड़ा अलग थलग मानते हैं, दलित वर्ग। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि दलित पृष्ठभूमि से आके आर्य समाज के माध्यम से ब्राह्मण बने, पुरोहित बने, बहुत सारे ऐसे हैं, कई ऐसे हैं मैंने सुना कि उसमें विद्वान भी हैं जिन्होंने ग्रंथ लिखे। तो ये सब सामने आना चाहिए कि आज की तारीख में जैसा कि आदिकाल में वेदों में था, कोई भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य या शूद्र जन्म से नहीं कर्म से बनता है। तो क्या चीजें शेष रहती हैं जिसको करना बाकी है, तो मैं ये दो तीन चीजें मैं सामने रख के फिर समाप्त करता हूं यहां। एक तो ये कि मैंने कहा कि समग्रता जो दयानंद सरस्वती ने जिसको जिसका आरंभ किया वो पूर्ण नहीं हुई है, तो उसको मैं इस तरह से दर्शाता हूं कि चार वेद हैं, सबके जुड़े हुए ब्राह्मण ग्रंथ हैं, सबके जुड़े हुए आरण्यक ग्रंथ हैं, सबके जुड़े हुए उपनिषद हैं। तो एक चार गुणा चार 4x4 एक तालिका होती है, मैट्रिक्स हो जाता है। आज की तारीख में जहां तक मैं समझ पाया हूं, और मैंने बहुत सारे लोगों से बात की है, विश्वविद्यालयों के संस्कृत विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से जो वेद पाठशालाएं चलाते हैं, हम सबसे, आज इस 4x4 मैट्रिक्स को, इस 4x4 की 4x4 की तालिका को जानने वाला भारत में तो कोई भी विद्यमान व्यक्ति नहीं है। तो एक तरह से जो समग्रता होनी चाहिए वेद परंपरा को समझने की, वो समग्रता अभी आई नहीं। और तो और बहुत सारे ऐसे ब्राह्मण ग्रंथ हैं जो कि पांडुलिपियों में पड़े हैं और उनका अनुवाद हुआ ही नहीं है, या उनका क्रिटिकल एडिशन भी नहीं आया, आईजीएनसी इसमें लगी हुई है, ऐसे बहुत सारे आरण्यक ग्रंथ भी हैं, वो जब आएंगे तो एक तरह से भारतीय सभ्यता की जो दृष्टि है वो थोड़ी और प्रगाढ़ होगी और साफ होगी। तो ये
ये करना मेरा कर सके। और दूसरा मैं ये चाहूंगा, क्योंकि अरविंद की परंपरा का तो प्रभाव तो मैंने देखा, पढ़ने की कोशिश की, इतना मैं नहीं समझ पाया, इन तीन दिनों में काफी कुछ और समझ पाया, लेकिन आपको तो पता है, कई लोगों ने उसका उल्लेख भी किया कि अरविंद की ये दयानंद की परंपरा के बाद में आती है अरविंद की परंपरा, और अरविंद तो सीधा दयानंद को श्रेय देते हैं कि उन्होंने चाबी दी जिसकी वजह से मैं आगे बढ़ पाया। तो अरविंद जो है उन्होंने कुछ और चीजें, उन्होंने समग्रता लाने की कोशिश की जो शंकराचार्य ने नहीं है। अब देखिए शंकराचार्य जो है सिर्फ निषेधों की बात करते हैं, शायद ही कहीं वो संहिता की बात करेंगे, शायद ही कोई वेद मंत्र का वो संदर्भ देंगे। कितनी विचित्र बात है कि वेदांत की बात करते हैं, वेदों की बात करते हैं, लेकिन संहिता कहीं है ही नहीं। महर्षि दयानंद भी उसमें भी एक अपूर्णता है। देखिए एक व्यक्ति वो दिव्य थे लेकिन आखिर थे व्यक्ति, एक व्यक्ति का भी उनमें जो भी सीमा होती है, व्यक्ति की सीमा थी, उनका जीवन सीमित था। कोई भी ये नहीं कह सकता कि जो भी कुछ करना था वो करके गए, ऐसा नहीं था, बहुत कुछ चीजें वो अपूर्ण कर गए। और वो अपूर्ण एक चीज छोड़ गए कि उपनिषदों को उन्होंने किसी भी समग्र रूप से इस तालिका में फिट नहीं किया। तो ज्यादातर संहिता की बात करते थे, कभी कभी ब्राह्मण और अरण्य ग्रंथों का अध्ययन करते थे, लेकिन उपनिषद तो लगभग गायब है उनके चिंतन से। कहीं कहीं बोधन आता है लेकिन ज्यादा अरविंद ने ये कमी पूरी करने की कोशिश की, लेकिन वो भी काम अधूरा छोड़ गए। तो ये काम करना बहुत आवश्यक है। और आपको अच्छा लगेगा कि संस्कृति मंत्रालय और IGMCA के सौजन्य से हम लोग इसी महीने के आखिर में यूं समझिए कि इसका उत्तरार्ध हम करने जा रहे हैं। तो वो जो चार बाय तार चार तालिका मैंने आपको बताया, उसके लिए मैंने कॉन्सेप्ट नोट लिखा, और इसी तरह की कॉन्फ्रेंस जो है वो हम लोग इस समग्रता को लाने के लिए, तो इसका शीर्षक ही यही है, वेद एक समग्र दृष्टि। तो हम वो कोशिश कर रहे हैं कि इसको और आगे ले जाए। और अंत में मैं एक छोटी सी पुस्तिका है उसका एक उद्धरण करूंगा, शायद 1952 में लिखी गई थी। 52 इसलिए क्योंकि 1953 में ये क्रिक एंड वॉटसन ने डबल हेलिक्स जो जेनेटिक कोड है वो डिकोड किया, तो 1953 में मेरा पेपर है। उसके एक साल पहले या दो साल पहले अरविंद श्रोडिंगर जो कि बहुत मानद फिजिसिस्ट थे, नोबेल प्राइज भी मिला था, क्वांटम फिजिक्स के वो प्रणेता थे, उन्होंने एक किताब लिखी क्वांटम फिजिक्स। उसमें उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि डबल हेलिक्स जो डीएनए है जो जो जीवन का मूल है, उन्होंने बोला वो एपीरियोडिक क्रिस्टल होगा, और वो ही निकला डबल हेलिक्स। जब क्रिक एंड वॉटसन ने इसको तीन पेज का पेपर छापा जिसने क्रांति कर दी जीव विज्ञान में, तो वैसा ही निकला अरविंद श्रोडिंगर ने जैसे कहा। लेकिन अरविंद श्रोडिंगर ने जो आखिरी जो अध्याय लिखा उसमें, उसमें उन्होंने कहा कि एक ही दर्शन है दुनिया में, ये सृष्टि जो है उसमें सबसे गहराई का जो स्तर है क्वांटम मैकेनिक्स का, उसके जो प्रणेता थे वो लिखते हैं कि यदि दुनिया में कोई दर्शन है जो कि आधुनिक विज्ञान से मेल खाता है, देखिए शब्दों का चयन बहुत आवश्यक है, ये नहीं कहना चाहिए हमें कि वो विज्ञान वेदांत ही है या वेद ही है, लेकिन वो कहते हैं कि ओनली वेदांत। और वो इंग्लिश में है, वैसे तो मूलतः जर्मन थे, लेकिन इन्होंने ये ट्रिनिटी कॉलेज डबलिन में लेक्चर्स दिए थे। उन्होंने कहा कि मूलतः यदि कोई सिद्धांत, दार्शनिक सिद्धांत यदि आज के आधुनिक फिजिक्स से मेल खाता है, तो सिर्फ वेदांत है। आप जरूर देखिएगा लिखा होगा। तो उस लिहाज से, सब लिहाज, सब दृष्टिकोण से आज जो काम
दयानंद अरविंद विवेकानंद अधूरा छोड़ गए, उनकी सीमाएं थी, उनकी सीमाएं थी, उनके व्यक्ति की सीमाएं थी, वो आज यदि हम सामूहिक रूप से थे तो कोई इसमें संशय नहीं हो सकता कि जो भारत के जो भारत की जो जो बची हुई समस्याएं हैं उनका यदि समाधान करना है, अपनी जो कुरीतियां अभी भी बची हैं उनका यदि निवारण करना है, तो जो मूल मंत्र दयानंद ने दिया, बैक टू द वेदास, बैक टू आवर ट्रेडिशन, अपने सूत्र, अपने वापस गंगोत्री तक जाओ, वहीं पे शुद्ध पानी मिलेगा, वो वक्तव्य शायद आज उतना ही लागू है जितना कि पहले कभी था, और शायद इसकी आवश्यकता आज से ज्यादा कभी नहीं थी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्पीकर, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट श्रीमती प्रियंका चंद्रा जी, डायरेक्टर फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, टू काइंडली डिलीवर हर एड्रेस। थैंक यू सो मच। नमस्कार। ऑन बिहाफ ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर आई एक्सटेंड अ वार्म वेलकम टू ऑल द डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट ऑन द स्टेज, डॉक्टर अपाल सिंह, प्रोफेसर शशि प्रभा, प्रोफेसर शैलराज मेहता, स्कॉलर्स एंड एस्टीम्ड स्पीकर्स गैदर हियर फॉर दिस कॉन्फ्रेंस ऑन महर्षि दयानंद सरस्वती। ये कॉन्फ्रेंस ग्रेट इम्पॉर्टेंस रखता है क्योंकि हम महर्षि दयानंद सरस्वती जी के जीवन और टीचिंग्स पर डिस्कशन करते हैं, जिनके प्रिंसिपल्स हमें करके अपनी वर्ड में भी इंस्पायर करते हैं। महर्षि दयानंद एक ग्रेट स्पिरिचुअल लीडर और सोशल रिफॉर्मर थे, जिन्होंने वेदों के प्रति अपनी श्रद्धा से गहरा अर्थ डाला। हिज आइडियाज एंड प्रिंसिपल्स अवेकन इंडियन सोसाइटी एंड इनिशिएटेड अ वेव ऑफ न्यू थॉट्स। उन्होंने कास्ट सिस्टम पर सवाल उठाए, वुमेन राइट्स की वकालत की और सोशल जस्टिस के महत्व पर जोर दिया। आज के युग में भी महर्षि दयानंद जी टीचिंग्स अत्यधिक महत्व रखती हैं। वी मस्ट एम्ब्रेस हिज थॉट्स एंड विजन इन आवर मॉडर्न लाइफ। उनका संदेश हमें आध्यात्मिक मूल्यों के महत्व से अवगत कराता है और समाज की सेवा के लिए निरंतर प्रेरित करता है। The thoughts and principles of Maharishi Dayanand serve as a guiding light for us even in the contemporary times. उनकी टीचिंग्स ने हमें हाई मॉरल स्टैंडर्ड्स बाय लाइफ लीड करने और स्पिरिचुअलिटी की इम्पोर्टेंस समझने के लिए इंस्पायर किया है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के बिहाफ पर इस कॉन्फ्रेंस के सफल समापन के लिए मैं आप सबका आभार प्रकट करती हूँ। I would like to express my deepest appreciation and gratitude to everyone who made this conference possible, to Shashi Prabha Madam, organizers, speakers, volunteers, and all those who contributed their valuable time and expertise. मैं आशा करती हूँ कि इस कॉन्फ्रेंस ने महर्षि दयानंद के लाइफ एंड प्रिंसिपल्स के डिस्कशन के लिए एक इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है। मैं यहाँ उपस्थित होने के लिए आप सबकी सभी का धन्यवाद देती हूँ और आशा करती हूँ कि हम सभी इस कॉन्फ्रेंस से महर्षि दयानंद की टीचिंग्स को अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करने के लिए इंस्पायर होंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। We are honored to have with us Dr. Satya Pal Singh Ji, Honorable Member of Parliament, as the Chief Guest of the Electric Session. Dr. Satya Pal Singh Ji was Minister of State for Human Resource Development and Minister of State in Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation. Sir has served as a Police Commissioner in Mumbai. Currently, he is Member of Parliament from representing Baghpat constituency. He has received many prestigious awards.
He is recipient of Special Service Medal for extraordinary work in Nikhlite area of Andhra Pradesh and Madhya Pradesh. He is a recipient of President's Police Medal for Distinguished Service in 2004, President's Police Medal for Meritorious Service in 1996, and DG's Insignia in 1996. In the field of literature, he has received Kaka Kalekar Sahitya Puraskar by Maharashtra State Hindi Sahitya Academy for his work, for his book Talash Insan Ki, Searching for a Man, published in 2003. He is an accomplished scholar on Indian culture, spirituality and comparative religion, a vocal proponent of holistic health, yoga and vegetarianism, a dedicated Arya and scholar of Vedic studies in Sanskrit. He regularly delivers lecture on spirituality, education, youth affairs. May I request one of our chief guests to kindly address our gathering. Namaskar. Namaskar. ॐ विश्वानिधे सवितर्दुरितानि परासुवः यद्भद्रं तन्नासुवः ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। मैं आप सभी को सबसे पहले सादर नमस्ते करता हूँ और इस संस्थान की अध्यक्षा आदरणीय विदुषी बहन प्रोफेसर सचिव प्रभा कुमार जी का विशेष आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने हम सब लोगों को जाए इकट्ठा किया है। प्रोफेसर शैलेंद्र राज मेहता जी, जिनको आप अभी सुन रहे थे, मैडम प्रियंका चंद्रा, श्री द डायरेक्टर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, श्री मेयर चंद नेगी जी, सेक्रेटरी ऑफ दिस इंस्टीट्यूट, मेरे सामने बैठे सभी आदरणीय मित्रजनों और विदुषी बहनों, ये जो विषय है महर्षि दयानंद की जो लेगेसी, उसकी क्या देन है, पिछले तीन दिनों से आप लोग अलग अलग विषयों पर बोलते रहे, मुझे सुनने का सौभाग्य तो सब लोगों का नहीं मिला, लेकिन आज थोड़ा मैं सुना हूं। लेकिन मेरे मन में एक बात जरूर आ जाए, विशेष रूप से जब हम महर्षि ध्यान की के शास्त्रार्थ की बातें कर रहे थे, अधिकतर लोग जो यहां पर आए हैं वो महर्षि ध्यान को मानने वाले, उनकी एक प्रकार की विचार सरणी है, मैं श्रीजी प्रभा जी से जरूर निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे विषय पर हम लोग सबको बुलाएं, अलग अलग मत वालों लोगों को बुलाएं, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बुलाएं, उनके मत क्या है कि महर्षि दयानंद को इस देश के लिए सबसे बड़ा योगदान क्या, उसकी देन क्या है, सुनने का मौका मिलना चाहिए। मैं पिछले दो दिनों से यहां पर शिमला में हूं और मैंने एक अलग तरह का चिंतन करने का प्रयत्न किया, क्योंकि सजीव प्रभाजी ने कोई मुझे कोई विषय दिया नहीं बोलने के लिए, मैं किसी भी विषय पर बोल सकता हूं, इतना विद्वान तो मैं नहीं हूं जितने आप लोग हैं, लेकिन मेरे अपने कुछ विचार हैं। मैं सोच रहा था कि जब अगर महर्षि दयानंद को हमको ये जानना हो, थोड़ा पानी है गर्म, मुझे थोड़ा गला बड़ा सूखा रहा, समय बहुत कम है, 15 मिनट का समय, वैसे भी थोड़ा लेट चल रहे हैं हम लोग, लेकिन मैं समय की सीमा को लांघना नहीं चाहता हूं,
एक बार ये सवाल पूछा गया, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल, और उन्होंने अपनी पत्नी को कहा कि अगर मुझे 2 घंटे बोलना पड़े तो मुझे किसी तैयारी की जरूरत नहीं पड़ती, 2 घंटे अगर बोलना पड़े किसी तैयारी की जरूरत नहीं, 1 घंटा बोलना हो तो कुछ तैयारी करना पड़ता है, ये 2 दिन का समय लगेगा, अगर आधा घंटा बोलना हो तो मुझे 1 हफ्ते का समय चाहिए, और अगर 15 मिनट बोलना चाहता हूं तो मुझे 15 दिन का समय चाहिए। ये शैली हमको आना चाहिए कि जितना समय है हम अपनी बातें उसमें कर सके, कम समय में तो कम में उसमें बात करेंगे, लेकिन बातें आनी चाहिए, कोई बातें छूटे भी ना और कोई ज्यादा फालतू की बात करे भी ना। अगर हम ऋषि ध्यान के देन को जानना चाहते हैं, उनके योगदान को जानना चाहते हैं, उनसे पहले हमें यह जानना चाहिए कि उस समय की परिस्थितियां क्या थी, देश की परिस्थितियां क्या थी। बिना देश की परिस्थितियों को जाने ऋषि ध्यान के योगदान को जाना नहीं जा सकता। याशाद को विषय भी था, भयंकर आपसी फूट थी समाज के अंदर, हम बटे हुए थे, तथा कि धर्मों के नाम पर, मत और संप्रदायों के नाम पर, जाति उपजातियों के नाम पर, भाषाओं के नाम पर, पुरुष और स्त्री के नाम पर, पुरुष को पढ़ने का अधिकार है, स्त्री को पढ़ने का अधिकार नहीं, पुरुष को कहीं विवाह करने का अधिकार नहीं है, स्त्री अगर विधवा हो जाती, बाल विधवा हो जाती तो भी उसको विवाह करने का अधिकार नहीं। कुछ हम अपने अंधविश्वास के साथ पटे हुए थे, कुछ अंग्रेजों ने हमको इसे बांटने का काम किया, कुछ लोग आदिवासी हैं, कुछ लोग गैर आदिवासी हैं, कुछ लोग आर्य हैं, उत्तर भारत में रहने वाले आर्य हैं, दक्षिण में रहने वाले वो द्रविड़ हैं। अभी आपने सुना एक नेता का वो आया था वक्तव्य, अलग अलग नस्लों के लोग हैं हम, नाम बताने की जरूरत ही नहीं, नस्लों के नाम पर बांटा गया, कितने हम बड़े हुए थे देवी देवताओं के नाम पर बटे थे, भयंकर गरीबी थी, भयंकर गरीबी थी, अकाल और भूखमरी से, मैंने केवल हिसाब लगाया, समय इतना नहीं है, केवल 1837 से लेकर के मैंने थोड़ा समय निकाला, ऋषि ध्यान के जवानी का समय 1837 से लेकर के 1877 तक लगभग 40 वर्ष का समय, 40 वर्ष के समय में 5 बड़े बड़े अकाल पड़े देश में, आगरा का अकाल, उड़ीसा का अकाल, दोआब का अकाल, उड़ीसा ये अलग अलग करके दो अकाल, और उसमें लगभग 2 करोड़ ये सरकारी आंकड़ा बता रहा हूं मैं आपको, 1.9 करोड़ से लेकर के 2.10 करोड़ लोग सरकारी आंकड़े के हिसाब से मरे। उस जमाने में तो ऐसा साधन नहीं थे ना, शायद कितने मरे होंगे, इससे भी ज्यादा मरे होंगे, इतनी भूखमरी थी। जब आदमी गरीब होता है ना, उसको समाज की नहीं सोचते, वो देश की नहीं सोच सकते, सोच सकता। हम लोग बोलते हैं ना, भूखे भजन में हो गोपाल, देश और समाज की क्या सोचेंगे, इतनी भूख भरी थी। उस जमाने में ऋषि ध्यान पैदा हुए हैं यहां पर, 1800 के अंदर, सन 1800 के अंदर इस देश का जो दुनिया के अंदर जो ट्रेड था वर्ल्ड आउटपुट में 32% था, 32%, 1900 में आते आते 2% रह गया। हमारे कुटीर उद्योग, हमारे ग्रामीण उद्योग, हमारे घर के उद्योग सब खत्म कर दिए अंग्रेजों ने,
जानना हो पढ़ना चाहिए। पहले उस किताब पर प्रतिबंध था, द केस फॉर इंडिया, विल डूरेंट ने किताब लिखी द केस फॉर इंडिया 1930 में छपी। अभी कुछ वर्ष पहले देश हमारे देश में आना शुरू हुई, पहले देश में आ नहीं सकती थी किताब, अंग्रेजों ने बैन की हुई थी। जो लोग इस बात को कहते हैं ना, आजकल के जो अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग हैं, विशेष रूप से माफ करेंगे लोग जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, मुझे पढ़ाने का समय तो मिला नहीं, चांसलर जरूर बन गया। मैं इसकी बात कहता हूं, मैं यूनिवर्सिटी में बोलता हूं और मेहता साहब चैलेंज के साथ बोलता हूं, चैलेंज के साथ बोलता हूं, लोगों को बोलता हूं जो सवाल पूछ लो, सवाल पूछिए, एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन यू कैन आस्क मी, आई विल ट्राई टू रिप्लाई। इसलिए मैं बोलता हूं यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, जो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ये बोलते हैं कि अंग्रेजों ने हमको यूनाइट किया, जो ये कहते हैं अंग्रेजों ने हमको बहुत कुछ दिया, उनकी आंख खोलने वाली ये किताब है, ये किसी भारतीय ने नहीं लिखी, अमेरिकन प्रोफेसर ने लिखी, बिल डूरेंट ने लिखी, द केस फॉर इंडिया। उन्होंने कह रहा अंग्रेजों ने भारत को किस तरह से प्रभावित किया, इसलिए भूख भरी थी, हम गुलाम थे अंग्रेजों के, कैसे गुलामी, कैसा समय था वो। 1857 के बाद याद रखना, 1857 के बाद अंग्रेजों का जो दमन चक्र शुरू हुआ, लोगों को फांसी में लटका दिया जाता, मैंने खुद देखा है, मेरी उम्र के जो लोग उन्होंने देखा होगा, हरियाणा के जीटी रोड के ऊपर कोल्हू पड़े थे, पत्थर के बड़े बड़े कोल्हू पड़े हुए थे। अंग्रेजों की किताब बोलने की हिम्मत है तो कोल्हू के नीचे से आपको आपको पीस दिया जाता था, इतना दमन था, बिना किसी गलती के लोग पीटते थे। हमारी क्या हैसियत थी, भारतीय आदमी की हैसियत, स्वामी दयानंद ने लिखा अपने सत्या प्रकाश में, अंग्रेजों के जूते से जय है कम अपनी हैसियत थी। कितने अत्याचार थे उस समय, अंग्रेजों के खिलाफ बोलना, सोच करके देखो, जरा जरा सी बात पर जो फांसी दे देते हो, जेल में भेज देते हो, उन लोगों के खिलाफ बोलना, उनके धर्म के खिलाफ के बोलना, कितना बड़ा दिल चाहिए था, कितनी हिम्मत चाहिए थी। ये हिम्मत ऋषि ऋषि जान कहता थी, लोग बोलते हैं लॉर्ड नॉर्थ ग्रुप की बात करते हैं, मार्च 1873 में जब नॉर्थ ग्रुप ने उनको कहा, स्वामी जी आप तो भगवान से रोज प्रार्थना करते हो, क्या करता हूं ये रोज करते हो, आपको कोई परेशानी है, सुरक्षा में कोई दिक्कत है? कहता नहीं, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, जब कोई दिक्कत नहीं है तो अंग्रेज रात के लिए प्रार्थना करती है अगर उन्हें रोजाना, तो ऋषि दयानंद ने कहा था मैं रोज यही प्रार्थना करता हूं कि जितनी जल्दी होगी विदेशी राज खत्म हो जाए, कौन कह सकता है लॉर्ड को, ये वाइस राय को बात है, कितना बड़ा दिल चाहिए था। मेघालय की शिक्षा व्यवस्था 1835 में उनके मिनट्स आए, 1844 में अंग्रेजी सरकार ने एक यहां से निकाला आदेश, निकाला क्या आदेश निकाला, जो कि अंग्रेजी पढ़ा लिखा है उसी को नौकरी मिलेगी, दूसरे को नहीं मिलेगी। 1854 में गुड्स के डिस्पैच आए, क्या शिक्षा व्यवस्था, मैकालिक, हम लोग बोलते हैं मैकालिक शिक्षा व्यवस्था, बार का हम लोग तो कुछ थे ही नहीं, हम लोगों के हीन का भाव भरने के लिए कि भारतीय कुछ नहीं थे, सब कुछ बाहर से सीखा, कुछ गरीब लोग जो पढ़े लिखे लोग अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, अंग्रेजी में विदेशों के गीत गा रहे हैं, वेदों को गढ़े के गीत बताते हैं, ऐसे समय के अंदर ऋषि ध्यान कर धर्मांतरण चल रही थे, ईसाईकरण चल रहा था, इस्लामीकरण चल रहा था, ऐसी परिस्थितियों में रिश्ते लगाए, और मैं कह सकता हूं
विश्वास के साथ भी कहता हूं और अधिकार के साथ भी कहता हूं कि पिछले 5000 वर्षों के इतिहास में, इस भारतवर्ष के इतिहास में इतनी खराब परिस्थिति, ऐसी विपत्तियां इस देश के सामने कभी नहीं आई, कभी नहीं आई। मुसलमान आए, राजाओं पर आया, हमारे ऊपर राज किया, लेकिन हम लोग गरीब नहीं थे, अकाल नहीं पड़ते थे, भुखमरी नहीं थी, हम लोगों के अंदर हीनता की भावना नहीं थी, उनसे डरने के लिए बार बार तैयार भी होते थे। जो काम 700 वर्षों का मुस्लिम शासन नहीं कर सके, मुगल शासन नहीं कर सके, अंग्रेजों के 150 वर्षों ने 100 वर्ष के शासन ला करके कर दी। तब हम समझ सकते हैं कृषि दयाल की कीमत क्या थी। इसलिए मैं कहता हूं, अगर जितने भी हम ये बात करते हैं, कृषि दयाल के देन की बात करते हैं, उनकी लेगेसी की बात करते हैं, हम वेद की बातें करते हैं, वेदांत की बातें करते हैं, हमारे समाज की बातें करते हैं, हम स्त्री उद्धार की बात करते हैं, अछूत उद्धार की बात करते हैं, शिक्षा की बातें करते हैं, ये जितने भी विषय मेरे मन में एक नया चिंतन पैदा हुआ और मैं कह सकता हूं ऋषि ध्यान की सबसे बड़ी देन, और अगर उसको एक शब्द में समाहित किया जा सके, उस एक शब्द को मैं कहूंगा, उसका नाम है देश उद्धार। देश उद्धार, उन्होंने जितना भी काम किया, क्यों किया देश उद्धार? वो कहते थे आर्यवंत चर्चा को देश नहीं, जिस धरती में पैदा होकर के जिस ज्ञान और जल से मैं बड़ा हुआ, जो मेरा अभी पालन कर रहा, अभी पालन कर रहा, उसका तन मन धन से उसका उसके कल्याण की काम करना चाहिए। इस देश को उबारने के लिए रिश्ते ने, अगर देश को एकता चाहिए, ये तथाकथित ये जातियों के नाम पर हम जो बोलते धर्म जात जाति, तथाकथित धर्म, देवी देवता, स्त्री पुरुष, जो भी कुछ हुआ, या वेद, वेद सनातन सत्य है। देखिए, हम अगर एकता पैदा करना चाहते हैं, सत्य के बिना एकता पैदा नहीं हो सकती। हम भाषण तो दे सकते हैं इस दिन से, लेकिन जब सच्चाई तक हम लोग एक हो सकते हैं, बिना सच्चाई के एक नहीं हो सकते। ऐसी कौन सी सच्चाई थी जिस पर सब दुनिया के लोग एक हो सके, भारत के लोग एक हो सके? इसलिए रिश्तेदार ने कहा, ये हमारा देश हमको हीन बताते हैं, चक्रवर्ती सम्राटों का देश, चक्रवर्ती सम्राटों का देश, और 2000 सैकड़ों हजारों वर्ष नहीं, लाखों वर्ष तक, महाभारत के काल तक इस देश के राजा चक्रवर्ती सम्राट थे। ये दुनिया का सिरमौर देश था, विद्या में, वैभव में, वीरता में। ये याद दिलाने के लिए, क्योंकि इस देश को पुनः उसमें हम खड़ा कर सके, दुनिया के सामने खड़ा कर सके, ये इसी ध्यान की, इसी ध्यान का प्रयत्न था। और जितना भी काम काम दो, अगर देश राष्ट्र का निर्माण करना है, राष्ट्र के निर्माण करने के लिए आपको एकता चाहिए, राष्ट्र के निर्माण के लिए आपको सत्यता चाहिए, राष्ट्र के निर्माण के लिए आपके अच्छे अच्छी संतानों का निर्माण करना चाहिए। संतान कैसे पैदा हो, संस्कार नहीं लिख दी, 16 संस्कारों की बात थी, बच्चों की पढ़ाई कैसी होनी चाहिए, राजधर्म कैसा होना चाहिए, राजा हमारा कैसा होना चाहिए, कोई इसे छोड़ा नहीं। हमारे देश में उद्योग धंधे होना चाहिए। आप लोगों को मालूम होगा, जर्मनी के प्रोफेसर वाइस को लेटर लिखा स्वामी दयानंद सरस्वती ने कि मैं अपने बच्चों को जो है यहां पर उद्योग धंधे शुरू करना चाहता हूं, हमारे बच्चों को बुलाओ जर्मनी के अंदर। दूरदृष्टि देखिए, और इसलिए देश का दुश्मन भी उन्होंने ढूंढा, देश का दुश्मन कौन है? अभी स्वामी विवेकानंद की बात कर रहे थे, वो अपने सतीश जी चले गए काम में, कोई बात मुझको याद आ रहा था बात। स्वामी मृदानंद सरस्वती
1856 सरसा पंचायत होती है मथुरा के अंदर, उसकी अध्यक्षता स्वामी ब्रजानंद करते हैं। और क्या सरसा पंचायत, उसका पूरा डिटेल जो उर्दू में लिखा हुआ मीर मुश्ताक मिरासी ने लिखा है, हिंदी में रूपांतर भी मिलता है, मीर मुश्ताक मिरासी कहते हैं, मिरासी ने लिखा है कि स्वामी ब्रजानंद ने कहा आजादी जन्नत है, आजादी जन्नत है, गुलामी दोजख है। गुलामी की जिंदगी कुत्ते के जीवन से भी बदतर है। क्या ये कि सन 56 के अंदर केवल स्वामी ब्रजानंद केवल दुनिया केवल पंचायत में ही बात कहेंगे, 3 साल पढ़ने वाले अपने विद्यार्थी को नहीं बोलेंगे? श्री श्री ने लिखा है 1857 के अंदर, 1857 के अंदर जब अंग्रेजी जो है वहां की साम्राज्य युद्ध बन गई, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हो गया, क्या माता पिता के समान कृपा रखेंगे? इसी नाम के बारे में लिखते सत्य प्रकाश में, आपको बताने की जरूरत नहीं। जब विदेशी शासन कितना भी अच्छा, माता पिता के समान कृपा करने वाला तब भी जो है कभी भी सुखदायी नहीं हो सकता। दुश्मन ने ढूंढा और बताया, इसने स्वराज का नारा दिया, सब संस्कृति का नारा दिया, सब हटा का नारा दिया। जितने भी महापुरुष इस देश में हुए हैं, ईमानदारी के साथ सोचो। इसलिए मैं कह रहा हूं भाई, ये हमारे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के सामने बात रखना चाहिए, इस देश के अंदर जितने भी महापुरुष हुए, जितने भी महापुरुष हैं, जितने भी सोशल रिफॉर्मर्स हैं, सबको सामने रख लीजिए, ऋषि दयानंद अतुलनीय है, अतुलनीय है, अनुपम है, उनके मुकाबला में हो नहीं सकता। और इसलिए योगी अरविंद ने लिखा है His distinct, his unique, his unparalleled, unparalleled। मुझको तो शर्म आती है जब लोग ऋषि दयानंद का जो है दूसरे से तुलना करते हैं। ऋषि दयानंद की तुलना किसी दूसरे से नहीं हो सकती। हम लोग सौभाग्यशाली हैं, हम ऋषि दयानंद के विचार मानते हैं। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हम गोस्वामी जयंती मना रहे हैं। यह भारत सरकार सौभाग्यशाली है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर भी सौभाग्यशाली है कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो है ऐसे कामों के लिए फंडिंग कर रही है। और हम लोग सौभाग्यशाली है कि ऋषि दयानंद की 200वीं जयंती मना रहे हैं। ऐसा कालखंड कभी कभी आता है जीवन में। मेरा समय हो गया, विचार तो मैंने आपको दिए और बात बहुत है, कोई बोल भी रहे थे, सच्चे शिव की शिव से सच्चे शिव की खोज शुरू हुई, मृत्यु पर विजय प्राप्त करना उससे शुरुआत हुई थी। जाते जाते ऋषि दयानंद का वसियतनामा पढ़ो कि उन्होंने क्या लिखा है। ऋषि दयानंद के सामने केवल एक ही बात थी, देश उधार था और मानवता का कल्याण की बात थी, और उनको लगता था केवल मात्र इसका एक ही रास्ता है, वो रास्ता केवल ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी पुरी पर्यंत जो रास्ता बताया गया वो वेदों का रास्ता, वो ही एक रास्ता है। अगर हम सुख शांति समृद्धि चाहते हैं, अपने बच्चों अपने घरों में अच्छे बच्चे चाहते हैं, अच्छे संस्कार चाहते हैं, ऐसी संस्कृति और सभ्यता चाहते हैं जहाँ अपराध खत्म हो जाए, आतंक खत्म हो जाए, हर एक प्रकार के दुख खत्म हो जाए, दुनिया में शांति स्थापित हो जाए, उसका एकमात्र मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूं। हम लोग कहते हैं इस बात को, दुनिया के अंदर ऐसी एक भी संस्था नहीं, दुनिया के अंदर एक भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं, एक भी नहीं जो आज समाज का मुकाबला कर सके। इस आज समाज का उद्देश्य है सारे संसार को उपहार करना, सारे संसार को उपहार करना, व्यक्तिगत सामाजिक रास्ता किसी ने दिया नहीं। इसलिए ऋषि दयानंद की देन को हम किसी विषय में जो है बांध नहीं सकते, संभव नहीं है। ऋषि दयानंद का व्यक्तित्व इतना विशाल है, इतना विराट है,
उसे भारत की सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता। उसके भारत में पैदा होने, इस धरती पर पैदा होने वाले महापुरुषों के साथ उसकी तुलना नहीं की जा सकती। इसलिए शशि प्रभा जी, मैं आपका विशेष धन्यवाद करता हूं कि यह अवसर आप सब लोगों को दिया, मुझको भी दिया। और मैं एक विषय से इस बात को पसंद करता हूं, मैं हर एक विषय पर अलग हिसाब से सोचता हूं। आज मैंने ये हिसाब से सोचा, नया मैंने चिंतन किया और मुझे लगता है मुझे इस पे पुस्तक लिखना चाहिए। छापने के लिए तो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज की ऋषि ध्यान की देन क्या है। मैं आज पूछ रहा था, नीति से पूछ रहा था कि पिछले इतने वर्षों के अंदर 1965 से लेकर के आज तक 60 साल हो गए आपको, 500 पुस्तकें, काम की कितनी है, काम की कितनी है, मैं जानना चाहता हूं। मैंने कैटलॉग मंगवाया है और मैं धन्यवाद करता हूं मैडम शशि प्रभा जी का, कहता 500 पुस्तक में एक ही पुस्तक काम की है। हम लोग किस तरह से सरकारी तंत्र को किस तरह का दुरुपयोग करते, किस तरह पैसे का दुरुपयोग होता है, उसका ये इंस्टीट्यूट में एक उदाहरण है। और मैंने जो है इस देश के प्रधानमंत्री जी को मैंने चिट्ठी लिखी थी और आपको जान करके बड़ी खुशी होगी, आज जो नेशनल जो रिसर्च काउंसिल बनी है वो मेरा ही प्रस्ताव था। और मैंने उनको लिखा था अलग अलग यूनिवर्सिटीज में अलग अलग जो रिसर्च हो रही है वो किस प्रकार की रिसर्च हो रही है, उन्होंने देश के काम की, समाज के काम की है, देश और समाज के काम आएगा। मेरा विश्वास है कि यह संस्थान इस दिशा में काम करे, सच्चाई के साथ काम करे, ईमानदारी के साथ काम करे और देश की, जिसको हम कहते हैं कि देश की इज्जत, देश का सम्मान में और जान जान लगे, इन्हीं भावनाओं के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सबको, साथ नमस्ते। Thank you very much, sir, for a very inspiring speech. Next speaker is addressed by Professor Arvind Sharma. In fact, he has sent his recorded lecture, but the dialogue of world religions, Swami Dayanand Saraswati and Swami Vivekanand, a comparison. It was widely felt after the end of the mutiny against British rule, the Indian mutiny against British rule, that the religions of India would be quickly replaced by Christianity, which was the religion of the victors. What actually happened, however, was that the religious scene in India witnessed the appearance of several new religious movements within the Hindu religious tradition to fill the religious vacuum created by the end of the old order and the establishment of the new one. Early signs of such a development can be detected in the rise of the Brahmo Samaj movement in Bengal in the early part of the 19th century. This trend acquired full steam in the latter half of the 19th century with the rise of movements centered around such figures as Keshav Chandra Sen, who reinvigorated the Brahmo Samaj, Ramakrishna Paramahans and Swami Vivekananda of the Ramakrishna Mission, and Swami Dayanand Saraswati of the Arya Samaj. A remarkable feature of all these movements
is their interest in the relationship between Hinduism and other religions, with a strong ecumenical orientation. Critical studies of these movements on the relationship of religions to each other in general, and of Hinduism to them in particular, often compare the views of Swami Dayananda Saraswati and Swami Vivekananda in these matters. The general impression one forms on the basis of these studies is that Swami Vivekananda was open to the interaction of Hinduism with other religions, while Swami Dayananda Saraswati tended to adopt a relatively less ecumenical view in such matters. In this presentation, I would like to demonstrate two points. While there is some truth to the position stated above, upon closer inspection one finds that the differences between Swami Dayananda Saraswati and Swami Vivekananda have been exaggerated. And two, that it is possible to recommend the relationship of Hinduism to other religions and among the various religions themselves by adopting another perspective based on Jain sources, which goes beyond the position held by Swami Dayananda Saraswati and Swami Vivekananda. I would like to begin by pointing out that although Swami Dayananda Saraswati is often depicted as less charitable in his attitude to other religions than Swami Vivekananda, this impression is not consistent with the evidence we have in this respect. For instance, Swami Dayananda Saraswati concludes his account of his beliefs and disbeliefs with the following words. I quote him now. In short, I accept universal maxims. For example, speaking of truth is commended by all, and speaking of falsehood is condemned by all. I accept all such principles. I do not approve of the wrangling of the various religions against one another, for they have, by propagating their creeds, misled the people and turned them into one another's enemies. My purpose and aim is to help in putting an end to this mutual wrangling, to preach universal truth, to bring all men under one religion so that they may, by ceasing to hate each other and firmly loving each other, live in peace and work for their common welfare. May this view, through the grace and help of the Almighty God, and with the support of all virtuous and pious men, soon spread in the whole world, so that all may easily acquire righteousness, wealth, gratification of legitimate desires, and attain salvation. Dharma, earth, kaam, moksha. And thereby elevate themselves and live in happiness. This alone is my chief aim. End of quote. It should be obvious to the reader that the sentiments expressed here are not very different from those expressed by Swami Vivekananda in his famous address delivered
at the World Parliament of Religion in Chicago on September 11, 1893, which he concluded with the following words. I quote Swami Vivekananda now. Sectarian bigotry and its horrible descendant, fanaticism, have long possessed this beautiful earth. They have filled the earth with violence, drenched it often with human blood, destroyed civilization, and sent whole nations to despair. Had it not been for these horrible demons, human society would be far more advanced than it is now. But their time has come. And I fervently hope that the bell which tolls this morning in honor of this convention may be the death knell of all fanaticism, of all persecutions with the sword and with the pen, and of all uncharitable feelings between persons wending their way to the same goal. End of quote. It has also sometimes been argued that Swami Dayananda Saraswati was less charitable than Swami Vivekananda in his descriptions of other religions. For instance, he severely criticized not only Islam and Christianity, but even those sects of Hinduism he was unhappy with in his magnum opus, the Satyarth Prakash. One can only make such a claim, however, if we overlook some of the remarks made by Swami Vivekananda about those aspects of other religions he did not approve of. For instance, this is what Swami Vivekananda said about Christianity on one occasion. I quote Swami Vivekananda now. We who have come from the East have sat here day after day and have been told in a patronizing way that we ought to accept Christianity because Christian nations are the most prosperous. We look about us and we see England, the most prosperous Christian nation in the world, with her foot upon the neck of 250 million Asiatics. We look back into history and see that the prosperity of Christian Europe began with Spain. Spain's prosperity began with the invasion of Mexico. Christianity wins its prosperity by cutting the throats of its fellow men. At such a price, the Hindu will not have prosperity. End of quote. Similarly, Swami Dayananda Saraswati is associated with the concept of Shuddhi, or the reconversion to Hinduism of those and whose ancestors had embraced Christianity or Islam in the past in India. This seems to imply a stronger commitment to Hindu identity than often associated with Swami Vivekananda. However, Swami Vivekananda was no less enthusiastic in this matter than Swami Dayananda Saraswati, as would be obvious from the following report of April 1899, published in the Prabuddha Bharat. I quote from that report now. Having been directed by the editor, writes our representative,
to interview Swami Vivekananda on the question of converts to Hinduism. I found an opportunity one evening on the roof of a Ganges houseboat. It was after nightfall and we had stopped at the embankment of the Ramakrishna Mutt, and there the Swami came down to speak to me. Time and place were alike delightful. Overhead, the stars, and around, the rolling Ganga. And on one side stood the dimly lighted building with its background of palms and lofty shade trees. "I want to see you, Swami," I began, "on this matter of receiving back into Hinduism those who have been perverted from it. Is it your opinion that they should be received?" "Certainly," said the Swami, "they can and ought to be taken." He sat gravely for a moment, thinking, and then resumed. "Besides," he said, "we shall otherwise decrease in numbers. When the Mohammedans first came, we are said, I think on the authority of Farishta, the oldest Mohammedan historian, to have been 600 millions of Hindus. Now we are about 200 millions. And then every man going out of the Hindu pale is not only a man less, but an enemy the more." Again, the vast majority of Hindu converts to Islam and Christianity are converts by the sword, or the descendants of these. It would be obviously unfair to subject these to disabilities of any kind. As to the case of born aliens, did you say? Why? Born aliens have been converted in the past by crowds, and the process is still going on. In my own opinion, this statement not only applies to Aboriginal tribes, to outlying nations, and to almost all our conquerors before the Mohammedan conquest, but also to those castes who find a special mention in the Puranas. I hold that they have been aliens thus adopted. Ceremonies of expiation are no doubt suitable in the case of willing converts returning to their mother church, as it were. But on those who were alienated by conquest, as in Kashmir and Nepal, or on strangers wishing to join us, no penance should be imposed. But of what caste would those people be, Swamiji? I ventured to ask. They must have some, or they can never be assimilated into the great body of Hindus. Where shall we look for their rightful place? Returning converts, said the Swami quietly, will gain their own castes, of course. And new people will make theirs. You will remember, he added, that this has already been done in the case of Vaishnavism. Converts from different castes and aliens were all able to combine under that flag and form a caste by themselves. And a very respectable one too. From Ramanuja down to Chaitanya of Bengal, all great Vaishnav teachers have done the same. And where should these new people expect to marry? I asked. Among themselves, as they do now,
said the Swami, quietly. Then as to names, I inquired. I suppose aliens and perverts who have adopted non-Hindu names should be named newly. Would you give them caste names or what? Certainly, said the Swami thoughtfully, there is a great deal in a name. And on this question, he would say no more. But my next inquiry drew blood. Would you leave these newcomers, Swamiji, to choose their own form of religious belief out of many researched Hinduism? Or would you chalk out a religion for them? Can you ask that, he said? They will choose for themselves. For unless a man chooses for himself, the very spirit of Hinduism is destroyed. The essence of our faith consists simply in the freedom of the Isht. I thought the utterance a weighty one, for the man before me has spent more years than anyone living, I fancy, in studying the common bases of Hinduism in a scientific and sympathetic spirit. And the freedom of the Isht is obviously a principle big enough to accommodate the world. But the talk passed to other matters. And then, with a cordial good night, this great teacher of religion lifted his lantern and went back into the monastery, while I, by the pathless paths of the Ganga, in and out amongst her crafts of many sizes, made the best of my way back to my Calcutta home. End of quote. In fact, the extent to which Swami Vivekananda was prepared to go to defend Hinduism sometimes seems to even surpass that of Swami Dayananda Saraswati. If the following incident is to be relied on, it pertains to one of Swami Vivekananda's trips between India and the West. I quote Swami Nikhilananda now. There were on the boat, among other passengers, two Christian missionaries who, in the course of a heated discussion with the Swami, lost their tempers and savagely criticized the Hindu religion. The Swami walked to one of them, seized him by the collar and said menacingly, "If you abuse my religion again, I will throw you overboard." "Let me go, sir," the frightened missionary apologized. "I will never do it again." Later, in the course of a conversation with a disciple in Calcutta, he asked, "What would you do if someone insulted your mother?" The disciple answered, "I would fall upon him, sir, and teach him a good lesson." "Bravo," said the Swami. "Now, if you had the same positive feeling for your religion, your true mother, you could never see any Hindu brother converted to Christianity. Yet, you see this occurring every day, and you are quite indifferent. Where is your faith? Where is your patriotism? Every day, Christian missionaries abuse Hinduism to your face. And yet, how many are there amongst you whose blood boils with righteous indignation and who will stand up in its defense?" End of quote. A third point of contrast between Swami Dayananda Saraswati and Swami Vivekananda is based on the commitment to Vedic authority associated with the former. It is true that Swami Dayananda Saraswati regarded the Vedas as the revealed books in Hinduism and as supremely authoritative, and that therefore, perhaps by comparison, Swami Vivekananda
was less committed to Vedic authority as such, on account of the emphasis placed on actual experience or anubhava in his vision of Hinduism. This contrast between the two has more going for it than the previous points. But here again, one needs to be careful. If one aligns the position of Swami Dhyanand Saraswati with that of the Mimamsa school within Hinduism, and that of Swami Vivekananda with that of Advaita Vedanta, then this contrast can be carried further. It is true that both the Mimamsa and Vedanta schools of Hinduism take their stand on Vedic authority. It is also true that Advaita Vedanta, as espoused by Swami Dhyanand, does not accord Vedic authority to the same place in that system, which is accorded to it by Shankara, the famous exponent of the system. However, when it comes to commitment to the system as a whole, Swami Vivekananda does not seem to be any less committed to Advaita Vedanta than Swami Dhyanand Saraswati was to Mimamsa. In fact, when the position of Swami Vivekananda on this issue is compared with that of Ramakrishna Paramahansa, his own guru, in this matter, scholars like Walter Newell Jr. have noted how Advaita Vedanta, as a school of Hindu philosophy, occupies a preeminence in the thought of Swami Vivekananda, which it does not have in the thought of Ramakrishna Paramahansa. Thus, both of them, Swami Dhyanand Saraswati and Swami Vivekananda, were quite committed to their respective schools. Swami Vivekananda is, of course, a more widely known figure, at least in the Western world, than Swami Dhyanand Saraswati. One reason for this could be that Swami Vivekananda visited the Western world and addressed it in English, while Swami Dhyanand Saraswati's activities were mainly confined to India, and he addressed his audiences in Sanskrit or Hindi. Swami Vivekananda is also very well known for his participation in the World Parliament of Religions in Chicago, which met in Chicago in 1893. It is less well known that Swami Dhyanand Saraswati had convened a conference with the representatives of all religions on the occasion of the Delhi Darbar already in 1877. Swami Dhyanand Saraswati used that occasion to invite several prominent reformers present in Delhi at the time to cooperate as religious leaders. J.T.F. Jordan's, the well-known biographer of Swami Dhyanand Saraswati, has this to say on the conference. I quote him now. Those present were Munshi Kanhaya Lal Alagdhari from the Punjab, Babu Naveen Chandra Ray of Lahore Brahmo Samaj, Keshav Chandra Sen, Munshi Indramani of Muradabad, Sayyid Ahmad Khan, and Babu Harish Chandra Chintamani of the Bombay Arya Samaj. Any attempt at collaboration between these reformers was bound to founder on the rock of enormous doctrinal differences, especially in the matter of Dhyanand's unbargainable belief in Vedic revelation. And so it did.
But these events in Delhi show how the hope for a supra-sectarian form of collaboration and organization retained a hold on Dayanand's mind, an idea that is strengthened rather than weakened in the coming years. End of quote. Another assessment of this conference runs as follows. Though the conference led at that time to no practical result, yet it paved the way for the later religious parliaments and conferences, in which preachers of different faiths met on a common platform and offered to one another the olive branch of goodwill and peace. To Swami Dayanand, truth, wherever it is found, is the Veda. End of quote. The time has perhaps come to propose an approach to the issue of religious conflict, which both incorporates and transcends the views of Swami Dayanand Saraswati and Swami Vivekananda in this matter. This approach is best conveyed by the means of a story, as told in the Prabandha Chintamani of Meru Tomb, placed in 1305 CE. Therein, Jaisingh Siddharaj, the 12th century Chalukya emperor, approaches the Shvetambar savant Hemchand on the truth of the various religions. Thereupon the savant narrates to the king the following story. Once there was a merchant's wife who sought a means for restoring the affections of her husband, who had deserted her for another woman. She obtained a spell that was guaranteed to put her husband in a state in which she could lead him about with a string. When she applied the spell, she discovered that this was a literal promise, not a figurative one, as her husband was transformed into a bull. She led him to a pasture to graze and sat beneath a tree and wept. There, she overheard Shiva telling Bhavani that in the shade of that very tree was a herb that would restore her husband to his human form. The woman gathered every plant she could find growing beneath the tree and forced the bull to eat them all, with the result that he was restored to his human shape. The moral of the tale, according to Hemchandra, was that just as the man was restored by the herb, even though no one knew which particular herb did the trick, so in the Kali Yuga, a wise person should obtain salvation by supporting all religious traditions, even though no one could say with absolute certainty which tradition it was that brought about that salvation. I thank you for the privilege of your time and attention. Upatvagne dive dive doshavastar dhyavayam namo bharanta emasi om shanti shanti shanti. मैं आभारी हूँ महर्षि दयानंद सरस्वती के प्रति. आप सब जो यहाँ बैठे हैं, हम सब ऋषि ऋण से उऋण होने की भावना से उनके प्रति अपने हार्दिक श्रद्धा सुमन समर्पित करने के लिए
अपने विचारों का सबक उन्हें समर्पित करने के लिए समुपस्थित हुए हैं। मैं आभारी हूँ भारत सरकार की, जिन्होंने एक समिति बनाई और हमारे प्रधानमंत्री जी ने उद्घोषणा की कि महर्षि दयानंद की 200वीं जयंती के अवसर पर अनेकानेक सम्मेलन, संगोष्ठियाँ एवं शोध कार्य आयोजित किए जाएं। मैं कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ संस्कृति मंत्रालय के प्रति, और ये जो समिति बनाई गई है वो भी संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। और इस संस्कृति मंत्रालय के सचिव से जब मैंने निवेदन किया कि हम शिमला में अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी करना चाहते हैं और हमारे शिमला के इस संस्थान में विदेश से विद्वानों को बुलाने के लिए उनको रेल व्यय तक तो देते हैं, या हम विमान का व्यय भी दे सकते हैं, लेकिन केवल भारत में, भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, विदेश से यातायात के मार्ग व्यय देने की सुविधा नहीं है। तो सच संस्कृति मंत्रालय के सचिव महोदय ने बड़ी उदारता पूर्वक उस प्रस्ताव को स्वीकार किया और ये हमारे लिए संभव बनाया कि हम ये अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित कर सके। और संस्कृति मंत्रालय की प्रतिनिधि रूप में यहाँ श्रीमती प्रियंका चंद्रा उपस्थित हैं, मैं उनके प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ क्योंकि वो अनुदान राशि दिलाने में आपने बहुत सक्रिय भूमिका निभाई। मेरे बड़े भाई अग्रज डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी, मैं उन्हें कुलाधिपति या MP के रूप में नहीं देखती हूँ, वे उसी प्रदेश से आते हैं जहाँ मेरा मातृकुल है मेरठ जनपद, और वहाँ मैं पढ़ी हूँ, लेकिन उनको मैंने मुंबई में पुलिस कमिश्नर के रूप में भी देखा एक कार्यक्रम में, और उनके विचारों से और दयानंद के प्रति उनकी निष्ठा से हम सब प्रभावित हैं, प्रेरित हैं। मैं आपका भी स्वागत करती हूँ और आपके साथ पधारी हुई आपकी धर्मपत्नी श्रीमती अलका सिंह जी का भी संस्थान की ओर से बहुत स्वागत एवं आभार करती हूँ। सभी वक्तागण जो मेरे निवेदन को स्वीकार करके, उन लोगों ने न केवल मेरे द्वारा दिए गए विषय को स्वीकार किया अपितु यात्रा करके दूर दूर से यहाँ आए और इस संगोष्ठी को इतना सफल बनाया, आप सबके प्रति मैं करबद्ध प्रणाम समर्पित करती हूँ। गुरुकुलों की तीन आचार्याएं, आचार्य नंदिता शास्त्री जी, आचार्य सूर्या देवी जी एवं आचार्य प्रियंवदा जी, आप तीनों का यहाँ आना बहुत महत्वपूर्ण है, केवल वक्ता के रूप में नहीं अपितु दयानंद की विरासत का एक साक्षात निदर्शन प्रस्तुत करने के लिए। साथ में आप अपनी ब्रह्मचारिणियों को लाई जिन्होंने हर सत्र में हमारे लिए मंगल मंत्रों का उच्चारण किया, सबके लिए उन्होंने कल्याण की, मंगल की प्रार्थना की। मैं आप सबके प्रति आभारी हूँ। हमारे संस्थान के अधिकारी, विशेषकर हमारे निदेशक प्रोफेसर नागेश्वर राव जो उद्घाटन सत्र में प्रतिभासी माध्यम से जुड़े थे, आज नहीं जुड़ पाए क्योंकि वो बेंगलोर में एक अन्य कार्यक्रम में व्यस्त हैं, किंतु उसकी कमी पूरी हुई। हमारे उपाध्यक्ष प्रोफेसर शैलेंद्र राज मेहता जी की सतत उपस्थिति आदि से लेकर अंत तक इस संगोष्ठी में वे श्रोता के रूप में, दृष्टा के रूप में और बीच बीच में हमारी समीक्षा करते हुए उन्होंने हमें उद्बोधित भी किया, मैं आपके प्रति भी आभार प्रकट करती हूँ। हमारे सचिव महोदय श्री मेहरचंद नेगी और हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों के अधिकारी श्री प्रेमचंद जी, उनके सभी सहयोगी, कार्यालय के सभी कार्यकर्ता और सभी यहाँ के अध्येता, वरिष्ठ अध्येता, राष्ट्रीय अध्येता, प्रत्येक का नाम नहीं ले सकती, आप सबके प्रति भी मैं कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ कि आपने अपनी उपस्थिति से, अपने सहयोग से इस कार्यक्रम को सफल बनाया। जहाँ तक बात है इस संगोष्ठी का विवरण प्रस्तुत करना अभी संभव नहीं है, लेकिन मैं संक्षेप में बताना चाहती हूँ। उद्घाटन सत्र में महामहिम राज्यपाल हिमाचल प्रदेश श्री शिव प्रताप शुक्ल जी पधारे थे, आपने बहुत ही प्रेरक उद्बोधन दिया और एक संकेत उन्होंने जो किया था कि समाज सुधार और विशेषकर अस्पृश्यता निवारण में महर्षि की जो भूमिका रही उसको प्रकाश में लाया जाए। उद्घाटन सत्र और अभी अभी जो चल रहा है समापन सत्र,
इसके अतिरिक्त 9 शैक्षणिक सत्र हुए, कुल 24 वक्ताओं ने इसमें अपने अपने व्याख्यान दिए। एक वक्ता हमारे मौन ही रहे, श्री एस के शर्मा जी जो डीएवी से आए हैं, उन्होंने पूरी संगोष्ठी में सम्मिलित रहकर हमारा संबल तो बढ़ाया, लेकिन अस्वस्थता के कारण वे अपना वक्तव्य नहीं दे सके। मुझे विश्वास है कि आप अपना लेख जरूर दे देंगे। हमारे मध्य 3 विद्वान विदेश से व्यक्तिशः पधारे, पंडिता इंद्राणी राम प्रसाद जी और डॉक्टर सतीश प्रकाश आर्य जी, डॉक्टर सूर्य नारायण नंद जी। इन तीनों के प्रति भी मैं हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। ऑनलाइन जुड़े श्री विश्रुत आर्य जी, कल शाम को उनका भी बहुत ही व्यावहारिक एवं तथ्यपरक उद्बोधन था। प्रोफेसर रणवीर सिंह जी, जो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त हुए हैं, वो कल ऑस्ट्रेलिया से जुड़े थे, और आज प्रोफेसर रवि प्रकाश आर्य जी रोहतक से जुड़े। तो ये 3 विद्वान व्यक्तिशः उपस्थित नहीं हुए, लेकिन वर्चुअली वो हमारे साथ जुड़े। हमारे इस कार्यक्रम में अमेरिका, कनाडा, वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया, इन देशों से प्रतिनिधियों का हमारे साथ सहयोग रहा, और भारत के विभिन्न प्रांतों से, उसमें हिमाचल है ही जहाँ शिमला है, हिमाचल से प्रोफेसर बेदी आए थे, पंजाब चंडीगढ़ से हमारे भाई वीरेंद्र जी, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान से तो 3 विद्वान पधारे हैं, उत्तर प्रदेश से आचार्याएं भी आई हैं, और हमारे भाई ज्वलंत जी भी आए हैं, बिहार से प्रोफेसर सिन्हा हैं, और उत्तराखंड से विनय विद्यालंकार जी हैं। परम आदरणीय डॉक्टर वेदपाल आर्य जी, आपको हम अजमेर का माने कि मेरठ का माने, चौकसी जी अहमदाबाद से पधारे, गुजरात से, और आप सब ने हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाया। इतने महत्वपूर्ण, यहाँ धीमान जी बैठे हैं उनका, और नरेश जी आप दोनों राजस्थान से, नीरज जी क्षमा कीजिए। तो कुल मिलाकर ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के रूप में, जैसा आप सब ने स्वयं कहा, और मुझे अत्यंत संतोष है कि ये बहुत सफल रही। यदि ये सफल रही तो इसमें मेरा कुछ भी वो नहीं है योगदान, समस्त योगदान सरकार का, इस संस्थान का और आप सबका है। किसी भी संगोष्ठी को सफल बनाने में, और वक्ताओं के साथ साथ श्रोता, अगर श्रोता ना हो, और यहाँ जो श्रोता हैं वो थोड़े हैं संख्या में, लेकिन बड़े प्रबुद्ध श्रोता हैं, जो हमारे फेलोज हैं, अध्येता हैं, मैडम मालती माथुर जी बैठी हैं, प्रोफेसर आनंद कुमार जी हैं, प्रोफेसर पाठक हैं, प्रोफेसर गोपीनाथ पिल्ले हैं, और कुछ के शायद मैं नाम ना ले पाऊँ। मैं आप सबके प्रति भी बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ। 2 बातें और, जो 3 बच्चियों ने जिन्होंने मंत्रोच्चार किया, उनके लिए हमारा विशेष आशीर्वाद, और उनके प्रति मेरी मंगल कामनाएं। उनके लिए मैं कुछ ना कुछ पारितोषिक रूप में अपना व्यक्तिगत रूप से भेजूंगी, लेकिन आचार्यों के लिए मैं एक एक पुस्तक देना चाहती हूँ, केवल प्रतीक रूप में। आप सबसे निवेदन है कि आप प्रचार करें, जहां कहीं जिन बच्चियों को पढ़ने का अवसर न मिल रहा हो, उन सबको गुरुकुलों में, कन्या गुरुकुलों में भेजें। ये हैं आचार्य नंदिता जी, आचार्य सूर्या जी। सहयोग, इन कन्या गुरुकुलों का सहयोग भी यथा संभव जिस रूप में कर सकें, क्योंकि ये गुरुकुल सरकारी अनुदान पर नहीं अपितु दान पर अधिक चलते हैं। तो इसी के साथ मैं इनवाइट करना चाहती हूँ।
पंडिता इंद्राणी राम प्रसाद जी को, उन्होंने दो रेजोल्यूशन प्रपोज किए हैं. कैन यू प्लीज कम इंद्राणी जी एंड रीड आउट द रेजोल्यूशन बिफोर वी कंक्लूड. दिल्ली में जब हमने वेद और स्वामी दयानंद विषय संगोष्ठी की थी IGNCA में, वहाँ भी हमने कुछ ऐसे रेजोल्यूशंस पास किए थे, जिनमें से एक तो यही था कि वहाँ पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में महर्षि दयानंद वैदिक शोध संस्थान प्रारंभ किया जाए. तो ये प्रस्ताव हम मिनिस्ट्री में भी भेजेंगे और आप इस पर हम भाई साहब से भी कहेंगे इस प्रस्ताव के प्रति उनको अनुमोदित कराने के लिए, क्योंकि दिल्ली में वो एक ऐसी केंद्रीय संस्था है जहाँ पर शोध चल रहा है वेद के क्षेत्र में. वैदिक हेरिटेज पोर्टल भी है और मैं भी उससे जुड़ी हुई हूँ, लेकिन यदि उसका नामकरण महर्षि दयानंद वैदिक शोध संस्थान किया जाए तो इस वर्ष में महर्षि के प्रति वो भी एक बहुत बड़ी श्रद्धांजलि हो. आई पंडिता इंद्राणी राम. Of course, the resolution is subject to change and adoption by the House. Whereas Maharishi Dayananda Saraswati has left a legacy of nationalism, and whereas Maharishi Dayananda Saraswati made the first call for Swaraj, and whereas Maharishi Dayananda Saraswati made the first call for Hindi as a unifying and national language, and whereas Maharishi Dayananda Saraswati left a vibrant legacy of Bharat's indigenous education system, be it resolved that a photo of Maharishi Dayananda Saraswati adorn the main hall at Rashtrapati Nivas, Shimla. Moved by seconded. Can I have a second? It is proposed by Pandita Indrani Ram Prasad ji, seconded by Sri S.K. Sharma ji, and thank you, and approved by all present in this session. Thank you. So the second resolution needs someone to move it. So I'll just read it. Instead of me moving it again, can I have it? Yeah. Whereas the indentured Indian diaspora is the oldest Indian diaspora in the 19th century, and whereas this diaspora continues to identify with Bharat as a spiritual and cultural source, and whereas Maharishi Dayananda Saraswati was, is, and will continue to be a powerful source of inspiration, be it resolved that this conference recommends to the government of India the establishment of a special government award to be conferred on worthy persons of this indentured Indian diaspora on an annual basis or such period as the government determines. So, second. Professor Pathak. I second the resolution. Thank you. And what about it? Approved? Yeah, we are. Approved by everyone present. Thank you. Om Namaste. Thank you very much. कोई बच्ची आ जाए आप शांति पाठ के लिए, कोई एक बच्ची आ. मैं सचिन प्रभा जी की अनुमति से एक बात थोड़ा सा बताना चाह रहा था. अभी जो उन्होंने प्रोफेसर अरविंद शर्मा का भाषण पढ़ा स्वामी विवेकानंद के, उनके उसमें सबसे पहला भारतीय जो अमेरिका में छपा वो महर्षि दयानंद सरस्वती थी, और वो 1879 में न्यूयॉर्क की बहुत ही प्रसिद्ध मैगजीन है संडे, उस संडे मैगजीन में
रिश्तेदार चित्र के साथ छपे, और साथ साथ ये भी लिखा जो हमारे प्रोफेसर सोमदेव सतांतु जी कह रहे थे कि काशी के अंदर जो 1869 के अंदर जो शास्त्रार्थ हुआ था उसमें ऋषि दयानंद ही विजयी बने हुए थे, ऐसा वहां अमेरिकन मैगजीन ने उस समय लिखा था। और जो बात मैंने अपने उसमें लिखी थी कि वो देश उद्धार के काम में लगे थे, ये स्वामी जी के सामने बात रखी गई कि आप अंग्रेजी सीख लो, आप विदेश यात्रा करो। बहुत लोगों ने उनको बताया, ये शायद आ भी होगा पिछले 3 दिनों में, लेकिन ऋषि दयानंद ने कहा मेरे लिए सबसे मेरा केंद्र बिंदु केवल भारत है, इसलिए मुझे किसी की जरूरत नहीं। धन्यवाद। चाय के लिए सब आमंत्रित।